हाँ कर दे। कैन यू लिसन माई वॉइस अगस्त्य। ओके आई एम जस्ट आस्किंग, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, कोई पूछ रहा मुझसे मैम आपने डिनर किया? नहीं मैंने डिनर नहीं किया, मैं डिनर तुम्हारी लेक्चर के बाद करूंगी बिकॉज मैं ऑफिस में थी। एक्चुअली 6 o'clock मैं ऑफिस से निकली और 7 बजे मैं घर पहुंची। आई आई थॉट कि मैं मतलब 8 बजे से लेक्चर, बिकॉज मेरे घर पे भी स्टूडियो है। कभी आज तक ऐसा नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर योर वेस्टिंग वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ 1 आवर। यस एवरीबडी हेलो, आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम अब टेंशन मत लो बिल्कुल। 1 महीना है हमारे पास में ना, मैं रोज तुम्हारे साथ 1 महीना हूँ। मैं वापस ऑफिस से घर से ऑफिस आई। ओके इट इज 15 किलोमीटर्स से थोड़ा समय लग गया। ओके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। ओके नाउ सुनो ध्यान से, बिल्कुल आंख बंद करके सुनना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आई टेक केयर ऑफ द टॉपिक। ओके नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट अबाउट द लैंग्वेज। आई कांट टॉक बोथ द लैंग्वेजेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इंग्लिश HIGHINGLISH इज द लैंग्वेज विच आई एम गोइंग टू स्पीक। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगी, दोनों लैंग्वेज में एक साथ नहीं पढ़ा सकती, पॉसिबल नहीं है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग दैट व्हाट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएशन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक सम नहीं क्रैक कर पाओगे तुम। तो सबसे पहले ये समझो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन क्लासेस फॉर फ्रॉम मी, डजंट मैटर एट ऑल। ओके सिर्फ सुनना है तुमको एंड आई विल टॉक इन अ वेरी प्लेन सिंपल लैंग्वेज। ओके वॉल्यूम लो है सोहेब, वॉल्यूम लो है बच्चे बोल रहे हैं। गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। आवाज आ रही है अभी? अभी प्रॉपर है, सुनाई आ रहा है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? कैन यू हियर मी प्रॉपरली नाउ? वी हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, हमने आवाज बढ़ाई है। कैन यू नाउ प्रॉपरली लिसन मी? अभी भी कम है? अभी आवाज है ना? हाँ ओके लेट्स स्टार्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएशन। ओके तो क्या होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज हम किसी भी चीज की जब वैल्यू करते हैं, लिसन टू मी, अभी 15 मिनट ना थोड़ा इंट्रो सुनो सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज इफ यू डू नॉट लिसन दैट तुम सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इंट्रो सुनो, बहुत सारा टाइम मिलेगा आगे जा करके, लगेगा तो एक लेक्चर ज्यादा ले लूंगी बट मैं शॉर्टकट नहीं लूंगी तुमको पढ़ाने में, ठीक है ना? सुनना भी ध्यान से, बिल्कुल आंख बंद करके सुनना, वेरी वेरी केयरफुली। सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इन अ परफेक्ट मैनर, स्पेशली फॉर एसेट्स एंड सिक्योरिटीज विच आर नॉट लिस्टेड इन द मार्केट। सो इन फाइनेंस क्या होता है कि वेन एवर वी आर वॉन्टिंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी लाइक बॉन्ड, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वन इज एक्विटी एंड वन इज बॉन्ड। यू ऑलरेडी नो देर आर अ लॉट ऑफ एसेट कैटेगरीज। यू अंडरस्टैंड एसेट कैटेगरीज? एसेट कैटेगरीज का मतलब हुआ लाइक स्टॉक एंड इक्विटी वन एसेट कैटेगरी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वन एसेट कैटेगरी, फिक्स्ड इनकम वी से। ओके देन वी हैव डेरिवेटिव्स, देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज,
ओके, ऑल दीज आर एसेट कैटेगरीज, ओके। एंड अगर तुम अपने पूरे सब्जेक्ट को देखोगे ना एसएफएम को, तो सारे सब्जेक्ट के अंदर तुम बेसिकली क्या कर रहे हो पता है, कहीं ना कहीं एवरी चैप्टर में यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। मतलब कोई स्टॉक है, वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक, हाउ डू यू डू दैट? इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट वैल्यू, यू कैन ओनली यूज सम थियोरेटिकल मॉडल्स, कुछ मॉडल्स को यूज करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। लेकिन मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि पॉसिबली इन द मॉडल आई डू नॉट नो वेरिएबल्स एनफ, यानी कि जो वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं किसी चीज की वैल्यू को, ओके, वो शायद हमें 70-80% तो हमें पता ही नहीं है, ओके। तो थियोरेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, ओके, ये एक बात हो गई। चाहे वो तुम इक्विटी की वैल्युएशन करो तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कंपेरेबल फर्म्स अप्रोच, रेसिडुअल वैल्युएशन मॉडल, देन नेट एसेट मेथड, एंटरप्राइज मेथड, यू नो देयर आर सो मेनी मेथड, फ्री कैश फ्लो अप्रोच, ऑल दीज आर मॉडल्स। एक मॉडल के अंदर में यू कैन ओनली कंसिडर सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, उससे ज्यादा तुम कंसिडर नहीं कर सकते, ओके। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं कि वी यूज मेनी मॉडल्स टू वैल्यू द प्राइस ऑफ और एनी सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर, एंड फिर हम क्या करते हैं उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। अब बॉन्ड्स में क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक इंडिया में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मार्केट इज नॉट टू बिग, ओके, बट इन फाइनेंस वी आर मोस्टली कंसर्न्ड विद दोज एसेट्स विच आर ट्रेडेबल इन द मार्केट। एसेट्स विच कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द मार्केट, उसकी वैल्यूएशन के बारे में हम फाइनेंस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अब तुम सोचोगे कि मैम इतनी सारी बातें क्यों बोल रही है, मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने जब कोई सवाल आता है तो तुम ये मत सोचो अरे ये पूछा तो, अरे वो पूछा तो, ये भी डाला तो, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों पता है, क्योंकि थ्योरेटिकल मॉडल्स में डाल के आंसर निकालना है, उनको कोई एक चीज तुमसे टेस्ट करनी है और पूरा सम उसके ऊपर बनेगा। सो डोंट टेक टू मच ऑफ अ स्ट्रेस अराउंड दैट, दे कैन नॉट आस्क यू टू मेनी वेरिएबल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड वैल्यूएशन इज नथिंग बट द प्राइस और द वैल्यू ऑफ एनी असेट डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द प्राइस ऑफ दैट एसेट। इफ यू अगर तुम ये डेफिनेशन याद कर लो ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा एसएफएम सॉर्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे बोलते हो कि मैम आपको मैं एक साल के बाद 110 rupees आई एम गोइंग टू गिव यू, ओके, एंड आई वॉन्ट 10% रिटर्न फ्रॉम माई मनी, सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ओके, सो 110, यू आर गोइंग टू गिव मी 110 आफ्टर वन ईयर, आई वॉन्ट 10% रिटर्न फ्रॉम माई मनी। अब वाई वुड यू गिव मी 110? ओनली इफ आई गिव यू समथिंग टूडे, ओके, देन यू आर गोइंग टू गिव मी अ ग्रेटर अमाउंट आफ्टर वन ईयर, दैट्स वॉट यू आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? इसमें बात ये है ना कि सपोज आई गिव यू ओके 100 rupees टूडे एंड यू रिटर्न मी 110, दैट मीन्स आई एम अर्निंग अ रिटर्न ऑफ 10%। यही वैल्यूएशन है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इनकम, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उनके कैश फ्लो पैटर्न फिक्स होते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द रिडेम्पशन अमाउंट बिकॉज वी हैव नाम ही है ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कूपन पेइंग बॉन्ड, सेमी एनुअल पेइंग बॉन्ड, फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड, यू नो जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, All these securities are under the category of fixed income security. Why? Because हमें पहले से पता होता है कि ये security से हम क्या कमाने वाले हैं। दूसरी तरफ एक security होती है equity. Company is earning a lot of money, but not necessarily they are going to give us money in the form of dividends. Why? Maybe the company needs money for some project. तो ये कहां की बात हुई कि आपको पैसा डिविडेंड में बांट दें और मार्केट से पैसा ऊंचे दाम पे उठाएं, ये तो गलत है ना। एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, वन ऑफ देम व्हिच आई गेव यू जस्ट नाउ,
हम इक्विटी के कैश फ्लो पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड दैट इज अ मेजर डिफरेंस दैट विल टेक प्लेस इन द वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड एंड द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी एक्चुअली. दूसरा डिफरेंस, बॉन्ड्स की मेच्योरिटी हमें पता होती है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, समथिंग. एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा बॉन्ड या डिबेंचर रिडीम होगा, मतलब इश्यूअर हमारे पैसे हमको वापस करेगा. इक्विटी में ऐसा नहीं होता. तुमको स्टॉक को सेल करना है ना तो मार्केट में सेल कर दो. इक्विटी की कोई रिडेम्पशन डेट नहीं होती एंड दैट इज व्हाई वी यूज परपेचुअटी फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ इक्विटी. ओके, नॉट दैट, ऐसा नहीं कि तुम बॉन्ड को बीच में नहीं बेच सकते. बॉन्ड अगर बॉन्ड ट्रेडेबल है, अगर वो डिबेंचर या बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है, सपोज यू बाय द बॉन्ड ऑन द डेट ऑफ द इश्यू, जिस दिन इश्यूअर ने इश्यू किया, 10 ईयर्स का बॉन्ड है, तुम्हें नहीं चाहिए 5 ईयर्स के बाद, यू कैन सेल इन द मार्केट. ओके, सो दिस वाज ऑल दैट वार्म अप व्हिच वाज रिक्वायर्ड, ओके, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द टॉपिक. हाउ इज इट गोइंग गाइस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली? सबको समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी, मैं चैट देख रही हूँ तुम्हारा. ओके, ग्रेट. तो आई थिंक दैट वॉज अ गुड वार्म अप बिफोर आई स्टार्ट द टेक्निकल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे कितने टॉपिक्स हैं इसके अंदर में? मैंने टॉपिक्स की हेडिंग दे रखी है. कुछ बच्चों को शायद ऐसा लगा कि आई एम गोइंग टू लाइक डू ओनली क्वेश्चंस. व्हेन आई एम डूइंग रिविजन आई कैन नॉट गो अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब मैं रैंडमली क्वेश्चंस नहीं शुरू कर सकती ना, तुमको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का. जब मैं रिविजन करा रही हूँ तो टॉपिक के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के अंदर में, मैं सब कुछ तुमको रिवाइज कराऊंगी. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट मुझे उसको टॉपिक्स में स्ट्रक्चर आउट करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, द फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और अ डिबेंचर. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक हियर, कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसोसिएटेड होता है और वो होता है यील्ड. There are three types of yield of a bond. Number one, one is called current yield, one is called yield to maturity. I'll come back, don't worry. And realized yield. So yields ke baare mein padhna, types of yield measure. Okay? Then we have next one. देखो कितने questions लिए हैं मैंने अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है. Okay? आगे जा करके topic आ रहा है तुम्हारा. देखो यहाँ पे बहुत सारे questions topics लिए हैं. Computation of duration and modified duration. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑलवेज दे कीप ऑन आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि दिस टॉपिक YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज द बेस ऑफ द चैप्टर. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स प्रॉपरली, इसका मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व नॉट ओनली डायरेक्ट टॉपिक्स बट मेनी टॉपिक्स फॉर दैट मैटर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली एंड डू अ फ्यू सम्स ऑन देम. Then the fourth topic that we are going to cover is like, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, interest rate anticipation and portfolio churning. Again a very important topic. लेकिन exam में सिर्फ एक बार एक ही question आया है, इसके अलावा they have not asked too many questions. मैंने अपने SFM के book में अपने master से एक question करा रखा है. That's a very lengthy question, but because that is not institute question, I have not taken that question here because I wanted to stick to the institute questions only because it is a exam oriented batch completely. Then discounted securities like zero coupon bond, treasury bills, commercial papers, all these are discounted securities. जब टॉपिक पे आऊंगी तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगी. रेड में तुमको दिख रहा है पीडीएफ ऑलरेडी तुम्हारे पास में, तुम चेक कर लेना, टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ. कमिंग बैक टू द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड, आई एम श्योर गाइज, आई एम अज्यूमिंग दैट मैक्सिमम ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिवाइज फॉर द पोर्शन. तो कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कुछ चीजें लिख लो अपने नोट्स के अंदर में. अगर तुमको चाहिए उसके ऊपर नोट्स तो मुझे बोलना, मैं तुम सबको कुछ एग्जाम्पल बना करके आई कैन ट्राई टू मेल यू. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू द प्राइस ऑफ, याद कर लो इसको, इस सेंटेंस को याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा. द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर. किसी भी चीज की प्राइस क्या होती है? जो कैश फ्लोज वो हमें देने वाला है
उसको अगर हम मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करूं और जो वो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जिसको तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू कहते हो उसको हम फाइनेंस में प्राइस बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। मतलब मैं तुमको बोलूं प्राइस निकालो, वैल्यू निकालो, क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है तुमको। जिस तरह के कैश फ्लोज रहेंगे उस हिसाब से वैल्यू निकाल देना, कोई परेशानी नहीं है। अब नाउ लुक एट हियर, यूजुअली आई ड्रॉ अ टाइम लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन ड्रॉ अ टाइम लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, अ वेरी वेरी सिंपल बॉन्ड। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है 10, 10, 10, 10 and plus 100, ऐसा ही दिखता है ना, बिल्कुल जो प्लेन वनीला बॉन्ड। हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक दिस, मोस्ट जेनरिक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉन्ड। सपोज दिस बॉन्ड इज ट्रेडेड इन द मार्केट, मैं कहाँ खड़ी होती हूँ? बाय डिफॉल्ट ऑन अ टाइम लाइन मैं हमेशा जीरो पे खड़ी होती हूँ। I am always standing at t equal to zero. Okay. Now, if I want to compute valuation, I want to compute the value of this bond. What do you want from your money? Suppose I want 12%. Then discount these cash flows at the rate of 12%. Okay. अब तुमको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये तुमको annuity नहीं दिख रही? ये annuity है ना? तुम चाहो तो अलग अलग भी कर लो, बट एन्यूटी है, एंड दैट इज व्हाई कैन यू सी योर पीवीए। कैसे निकालते हैं? कैलसी पे तुम तो मस्त निकालते हो, 1 डिवाइड बाय 1.12, ओके, इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 times, जीटी ग्रैंड टोटल क्या आएगा? फैक्टर आएगा तुमको, उस फैक्टर से तुम 10 को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ओके, दिस पार्ट विल बी, यू विल गेट दिस पार्ट, एंड इसको अलग से तुमको डिस्काउंट करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट यूज एन्यूटी फॉर्मूला देयर बिकॉज इट इज कमिंग ओनली वंस। तो क्या यूज करेंगे? पीवीआईएफ फैक्टर, दैट मींस 100 डिवाइडेड बाय 1.12, रेस्ट द पावर 5 विल गिव यू द वैल्यू। टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन टॉक ऑफ, यू कैन हैव अ वराइटीज। मैं भी बोल रही थी तुमको कि तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो मेरे को बताना, मैं तुमको भेज दूंगी, कोई भी तरीके से देखेंगे कैसे करना है। कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, ओके, विच गिव्स यू कूपन एनुअली, साल में एक बार कूपन देता है। कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड विच गिव्स यू कूपन मोर देन वंस इन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, ओके, सेमी एनुअल बॉन्ड होगा तो हाउ विल इट वर्क? 5 रुपीज आफ्टर 6 months एंड अगेन 5 रुपीज आफ्टर 6 months, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन इज इंक्रीजिंग। It can be more than 2 times. It can be quarterly coupon paying bond. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Okay, so that will be semi-annual coupon paying bond. Quarterly, that means, मैं ना इतना अलग-अलग बात नहीं करती. A bond which pays coupon more than once in a year. It can be half yearly. It can be quarterly. It can be monthly. Whatever. It can be bi-monthly. We don't care. लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स तुमको आने चाहिए उस केस के अंदर में पीवी निकालने के, बताऊंगी तुमको। देन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड विच रिडीम्स अ बॉन्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ 5-year बॉन्ड, ये जो 100 रुपीज है रिडेम्पशन का, मैं बोल सकती हूँ ना एज अ इश्यूअर कि भाई आई एम गोइंग टू रिडीम द बॉन्ड इन 2 equal इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ द 4th year एंड एट द एंड ऑफ द 5th year, आपको 50-50 मिल जाएगा। डोंट यू थिंक द वैल्यूएशन मॉडल विल चेंज देयर? इट विल डेफिनेटली चेंज। देन देयर इज अ बॉन्ड विच पेज कूपन ऑन अ फ्लोटिंग बेसिस। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कंपनीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरा बॉन्ड खरीदो, पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना है मुझे। अब मैं उतनी अच्छी कंपनी नहीं हूँ, मेरी क्रेडिट रेटिंग भी नहीं हुई है। अब एक इन्वेस्टर है, वो बोलता है मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा बॉन्ड, तुम तो 12% मेरे को अटका दोगे ना। बोलते नहीं नहीं एक काम करते हैं, जो जो तुम्हारी प्राइम का रेट होगा, पीएलआर का रेट होगा, वही हम तुमको दे देंगे प्लस सम स्प्रेड, फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड। ओके, दैट मींस इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा, तुमको वही वाला ब्याज मिल जाएगा जो मार्केट में चल रहा है। तो तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम बोले यार ये तो अच्छा है, चलो ये बॉन्ड ले लेते हैं। कितनी वराइटीज ऑफ बॉन्ड्स मार्केट में होते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी। देर इज डेफिनेटली सम टेक्निकल स्टफ। मैंने ऐसे ही बॉन्ड्स का 2 दिन का लेक्चर नहीं रखा। अगर तुम SFM Express देखोगे ना, मैंने 1.5 hours में पूरी की पूरी शीट उड़ा डाली है।
लेकिन तुम्हारे लिए मैंने 5 घंटे का लेक्चर रखा है और मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, मैं ब्रेक नहीं लेती, ओके? इसका मतलब हमारा कवरेज बहुत अच्छा होगा। अब तुम मुझे बताओ, डू यू वॉन्ट मी टू राइट समथिंग अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल? टाइमलाइन पे बना के दिखा दो, प्रेजेंट वाले तो तुम निकाल ही सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यस और नो क्विकली। ओके ओके, नो यू डोंट वांट, मैं यहां पे कर देती हूँ, यहाँ पे ही कर देती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट दे दो, 1 मिनट, ऐसे ही मत करो। अच्छा, जो अपने बच्चे वो बोल रहे हैं नो बिकॉज उनके पास नोट्स है, और जो बच्चे अपने नहीं है वो शायद बोल रहे हैं यस बिकॉज उनको नहीं पता, मे भी हो सकता है। आई एम नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग एनी बडी फॉर दैट मैटर। 1 ही मिनट दो प्लीज, और शांति से पढ़ो, भागा भागी नहीं करो, ओके? अब देखो यहाँ पे फटाफट करते हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए बताना मेरे को, मैं उतना पोर्शन तुमको दे दूंगी, यस ना? चलो 0, 1, 2, 3, 4, आई विल जस्ट ड्रॉ टाइम लाइन्स, ओके? 5, देन हियर 10, 10, 10, 10, एंड अगेन 10 प्लस 100, ठीक है ना? कैसे पीवी निकालोगे? पीवी कैलकुलेशन नहीं करती, कैलकुलेशन तुम कर लेना घर पे। 10 इंटू पीवी ए, 1 मिनट रुक जाओ, एक प्लीज रुक जाओ, एट द रेट ऑफ 12%, राइट? 12% कॉमा 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.12 रेश टू द पावर 5, एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड। एक और ले लो, चलो फटाफट करती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके? तो हियर यू विल गेट मे बी लाइक, एक काम करती हूँ, रुक जाओ, ओके? सो हियर इज डैश 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 अप टू 10, ओके? दिस इज नॉट ईयर्स, दिस इज सेमी एनुअल। सो 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंड प्लस 100। सो हाउ विल यू डू? अब यहाँ पे पीवी विल बी इक्वल टू 5 इंटू पीवीए, ओके? 6%, नॉट 12%। तो तुमको ये 6% एंड जैसे यहाँ पे तुमने ये लिया था ना, यू यू टुक दिस वन, राइट? 5, यू टुक 5 ईयर्स, यहाँ पे क्या लोगे? 10 सेमेस्टर्स, ओके? एंड देन प्लस 100 डिवाइड बाय 1.06 रेस्ट टू द पावर 10, ये सेमी एनुअल हो गया। अगर ये क्वार्टरली होता तो क्या करते? कुछ भी नहीं करना, सी इक्वल टू सी बाय एम, आर ओ आर विल बी आर बाय एम, ओके? एंड मेच्योरिटी मेच्योरिटी विल बी इक्वल टू एन इंटू एम, वेर एम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन। तो क्या करोगे तुम? सी, सी इज हाउ मच? 10 बाई एम। अगर हाफ ईयरली बॉन्ड है तो 10 बाई 2, 5% हो गया। आर ओ आर 12% बाई 2, 6% हो गया। एंड मेच्योरिटी 5 ईयर्स इंटू 2, 10 सेमेस्टर्स हो गए। अगर वो सेमी क्वार्टरली होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देन वन मोर, सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट इज 10, 10, 10, 10, नो या 10 एंड यू नो वॉट, 5। वाई 5? कोई आंसर देगा मैंने 5 का कूपन क्यों लिया? एनीबडी कैन यू टेल मी वाई डिड आई टेक 5 हियर? वाई डिड आई टेक 5? ये वाई डिड आई टेक 5 हियर? कूपन मैंने 10 क्यों नहीं लिया? व्हाई डिड आई नॉट टेक 10, आई टुक 5, व्हाई? नो 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 शुभम, इट इज नथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है, वैल्यू विल नॉट बी लेस, रादर आई थिंक क्यों लेस क्यों होगा? उसका उस चीज से कोई रिलेशन नहीं, कम नहीं होगा, क्यों कम होगा? ये क्यों है पता है? यू नो वाई? बिकॉज कूपन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन, कूपन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। यस 50 इज ऑलरेडी रिडीम्ड, यहां पे ऑलरेडी ये 50 रिडीम हो गया ना, ये 50 ऑलरेडी रिडीम हो गए। अब
तुमने मुझे सौ मैंने तुमको 100 रुपए दिए थे, 100 रुपीज आई हैड गिवन यू, ओके, एंड यू रिटर्न्ड मी 50 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ओनली, तो इंटरेस्ट विल अक्रू ओनली ऑन द रिमेनिंग 50, नॉट द होल ऑफ इट, राइट? सो 10% ऑफ 50 इज 5, बिकॉज 50 हैज बीन रिटर्न्ड बैक ऑलरेडी, एंड दैट इज वाई गाइज यू आर गेटिंग अ कूपन ऑफ 5. ये कैश फ्लो का तुमको पीवी निकालना, इंस्टॉलमेंट्स का हो गया. अगर फ्लोटिंग रेट का करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5. सपोज द प्रोजेक्टेड, सुनना ध्यान से, प्रोजेक्टेड रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट इज सपोज लाइक समथिंग, तो मे बी लाइक 10%, मे बी लाइक 11%, देन मे बी अगेन 10%, देन 12% एंड 13%. अकॉर्डिंगली कूपन आ जाएगा 10, 11, 10, 12, 13 plus 100. दिस इज फ्लोटिंग कूपन पेइंग बॉन्ड. अन इवन कैश फ्लोस का टाइम वैल्यू ऑफ मनी में द वे यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू वैसे करोगे. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल टिल हियर. ओके, सो दीज आर द वराइटीज ऑफ द बॉन्ड्स विच यू माइट गेट इन द एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू. आई हैव टेकन ओनली वन बिकॉज सी इन द रिविजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर एवरीथिंग. इन द क्लासरूम we take almost like 30-35 hours in order to compute valuation of bonds, which I am taking an audacity. मैं हिम्मत कर रही हूँ 5 घंटे में खत्म करने का, लेकिन तुम कॉपरेट करोगे तो मैं कर भी लूंगी, कोई टेंशन नहीं है. ओके, नाउ गोइंग अहेड वी आर डूइंग वन क्वेश्चन हियर. ओके, कंसिडर इट 2 ईयर. अब सुनना ध्यान से, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन हियर आर फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स एग्जामिनेशन आरटीपी एंड एमटीपी पेपर्स ओनली. तो कंसिडर इट 2 ईयर face value 10% coupon rate bond which pays coupon semi annually. Find out the intrinsic value of the bond if the required rate of return is 14% per annum compounded semi annually. Okay, should the bond be purchased at the current price of what, 965 or not? शोएब आवाज कम करनी पड़ेगी, एको हो रहा है. Okay, so if you see this, they are saying that 1000 is the face value, okay, and 10% coupon rate. फटाफट खत्म करते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फेस वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ओके, फेस वैल्यू इज गिवन टू यू, कूपन रेट 10% है तुम्हारा, एंड 14% पर एनम आर ओ आर. सेमी एनुअल तो 7% हो जाएगा. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना कूपन, देखो एडजस्टमेंट करिए, देखो यहाँ पे और यहाँ पे निकाल. कितने साल का बॉन्ड है ये? 2 ईयर, 2 ईयर बॉन्ड. करेक्ट ना, वैल्यू निकाली ना, 50 इंटू पीवी है 7%, 4. सो ऑल दिस एडजस्टमेंट्स आर देयर. नाउ दे आर सेइंग दिस मींस, देखो 932.35 इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, द शुड बी वैल्यू, इंट्रेंसिकली वैल्यू. तो 932.35 को कैसे इंटरप्रेट करोगे, हाउ विल यू इंटरप्रेट? आई हैव रिटन हियर, यू आर नॉट सपोज टू इंटरप्रेट दिस इन द एग्जामिनेशन एट ऑल, बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द आंसर, देन हाउ डू यू डू हायर लेवल सम्स? बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड ना, मीनिंग इसका नहीं समझते ना हम, कंप्यूट करके वी जस्ट लीव इट, डोंट डू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड की क्या मीनिंग है इसका. द मीनिंग ऑफ द Okay, the meaning of this sentence is, if you buy the bond at 932.5 and receive 50 for 4 semesters and redeem the bond at the end of the second year, we shall be earning a return of 14% per annum or maybe 7% per semester.
ओके इसका ये मीनिंग हुआ और कुछ भी नहीं हुआ. सो अगर इफ द शुड बी वैल्यू द बॉन्ड इज 932.35 ओके एंड द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 965, फटाफट बोलो वेदर आई शुड बाय दिस बॉन्ड और नॉट, यस और नो. बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड बिकॉज इफ आई बाय द बॉन्ड एट 932.35 ओके देन आई विल बी एबल टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 14% पर एनम, करेक्ट ना. तो बॉन्ड की प्राइस इज 965, इट इज मोर, आई कैनॉट पे मोर. इफ आई पे मोर माई रिटर्न विल नॉट बी 14% पर एनम, इट विल बी लेसर एंड माई आर ओ आर और वाई टी एम इज 14%. हेंस द बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड. याद कर लो, if the actual price is greater than intrinsic value, the security is overvalued. क्या बोला मैंने, repeat करो. if the actual price, एक ही याद करो, अगर दोनों याद करोगे ना तो भूल जाओगे. if actual price is greater than the intrinsic value, here 965 is greater than 931, the bond is overvalued. आगे तुमको answer पता है कि क्या बोलना चाहिए, okay? exactly. Not buy, not buy. Very good. Now, types of, और मैंने तुमको सारी varieties वहां लिख के दी ना तुमको कि कितनी variety, semi bonds which pay coupon more than once in a year, floating coupon bond, installment वाला bond. You should be knowing to compute the value of each and every variety of bond for that matter. तुमको सब पता होना चाहिए अच्छे से. Okay, now coming to the next topic is types of yield measure. Types of yield measure, okay? So three types of yields are there. One is called current yield, one is called yield to maturity, and one is called realized yield. Ye bahut important topic. It's a very, very important topic actually. So current yield is meant for an investor who holds the bond for a very short term. Matlab, wo ek coupon lega aur nikal jayega. Isliye current yield ka formula dekho, coupon by price into 100. If the bond is of 5 years, agar 5 saal ka bond hai agar ye, तो क्या होगा. अगर ये बॉन्ड 5 इयर्स का है तो इस फॉर्मूला के अंदर में तुमको नहीं लगता कि मैं एक ही कूपन कंसिडर कर सकती हूँ, मैं ऑल द 5 कंसिडर नहीं कर सकती. इसका मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो बॉन्ड खरीदेगा, कूपन लेगा और निकल जाएगा. फॉर्मूला के अंदर तुम एक कूपन से ज्यादा कंसिडर कर ही नहीं सकते. सो करेंट यील्ड इज मेंट फॉर इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू होल्ड द बॉन्ड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, एंड दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 कूपन. और एक बात, अगर फिर भी बॉन्ड एनुअल कूपन पेइंग हुआ तो साल में कम से कम द रिटर्न एलिमेंट विल गिव यू 1 ईयर रिटर्न, राइट. इफ द बॉन्ड इज अ सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड तो तुम फॉर्मूला में तो एक ही कूपन ले सकते हो, तुम ज्यादा ले ही नहीं सकते. ओके, तो दैट इज वाई वी यूजुअली से दैट करेंट यील्ड इज द मेजर ऑफ यील्ड विच इज यूज बाय इन्वेस्टर्स जिसका रिक्वायरमेंट इज शॉर्ट टर्म. यील्ड टू मेच्योरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको पता है यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, पता है तुम्हें? YTM इज नथिंग बट IRR. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, अब थोड़ा सा मुझे टाइम लेने दो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर दिस कैपिटल बजटिंग टॉपिक इन CA इंटर प्रॉपरली. कितने लोगों ने अच्छे से किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक तुमको मैं तरीका सिखा रही हूँ किसी चीज को देखने का. मुझे नहीं पता तुमको वो तरीका पता है कि नहीं पता है. देखना अभी मैं क्या करती हूँ. ओके शोएब, मेरे को कैल्सी चाहिए, कैल्सी चाहिए. वो वाला दे दे. आवाज कम आ रही है, क्या हो गया आज ये? ओके अभी आ रही है मनीषा, वो चेंज कर दो शायद इसको. हाँ ओके. सो बेसिकली गाइस, बेसिकली सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही तुम्हारे साथ में, काम आएगा तुमको. सो बेसिकली इफ यू रिमेम्बर एट ऑल, अगर तुमको थोड़ा भी याद होगा ना, तो कैसे है कि तुम एनपीवी निकालते हो. तो सपोज करो कि एक टाइमलाइन लेते हो, सुनना ध्यान से, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट. ओके 0, 1, 2, 3, बस मैं 3 ही ले रही हूँ. द कैश फ्लोज आर 100, 200, ओके 300, करेक्ट है ना.
सपोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलेंगे ना, तो सपोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, ओके, तो पीवी निकालो इसकी, इसकी पीवी निकालो, और सपोज करो कि आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड हाउ मच, मे बी लाइक 250 इन द प्रोजेक्ट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, सो बेसिकली गाइस 100 डिवाइड बाय 90.90 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.1, ओके, दिस विल बी, वेट अ मिनट, इट इज 165.29, ओके, एक मिनट दे दो, 1.10 रेस्ट द पार 3 माइनस इनटू 300 225 प्लस 165.29 एंड प्लस 90.9 विल गिव यू 482 आ रहा है, राइट, 482, तो 482 आ गया, ओके, एंड 482 माइनस 250 करती हूँ तो एनपीवी इज इक्वल टू 232 अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट है। एक और तरीका है, अब मुझे एक बात बताओ, दैट 232 आया ना, नाउ यू टेल मी द IRR ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी 10% मोर और लेस, आंसर प्लीज क्विकली, मैं तुमसे ये पूछ रही हूं, इस प्रोजेक्ट का IRR 10% होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, जल्दी बोलो, अभी ठीक है, एग्जैक्टली मोर देन 10%। अब तुम क्या करोगे, अगर तुम 250 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर प्लस 200 डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल स्क्वायर एंड प्लस 300 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस्ट द पावर 3, ऐसा करते हो, एंड इफ यू सॉल्व फॉर दिस आर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोर देन 10%, दैट इज YTM, दैट इज YTM। तो किसी चीज को देखने के दो तरीके हैं, नंबर वन, वन मेथड इज इफ यू नो दिस वन, if you know the discounting factor, you discount the cash flows, compute the NPV and decide karo project lein kya nahi le lo, correct na, because NPV is positive. Similarly, there is another method to decide the same thing. If your IRR is greater than 10%, then you should accept the project. To wahi cheez YTM hoti hai, same thing is YTM actually. YTM is nothing but IRR of the bond. मतलब अगर सपोज करो, एक बार सुन लिया तुमने जिंदगी में, फिर कभी नहीं भूलोगे तुम, सपोज करो 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 10, 10, 10, 10, 10 plus 100. Suppose the price of this bond is 800. Okay, समझ में आई बात? अब the ROR of the bond, ROR of the investor, not the bond, ROR of the investor is 10%, or maybe more, थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं, अच्छा रहेगा, 12% लेते हैं, चलो, 12%, okay? Now, I can decide whether to buy this bond or not in two ways. मैं दो तरीके से decide कर सकती हूँ. एक तरीका क्या है पता है? ये सारे जो cash flows हैं, इसको 12% से discount करो. करेक्ट है, डिस्काउंट करो, सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दिया. अगर तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू द शुड बी प्राइस इज ग्रेटर देन 800, ओके, देन वी विल बाय द बॉन्ड. व्हाई? बिकॉज द एनपीवी ऑफ द बॉन्ड विल बी पॉजिटिव, द एनपीवी ऑफ द बॉन्ड विल बी पॉजिटिव. अगर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12% इज ग्रेटर देन 800,
पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस 800 आउटफ्लो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव बाय द बॉन्ड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सिमिलरली एक और तरीका है कि तुम 800 को लेफ्ट हैंड राइट साइड में रख करके इस कैश फ्लोस का तुम आईआरआर निकालो और उस आईआरआर को 12% से कंपेयर करो। इफ यू आर गेटिंग एन आईआरआर ऑफ मोर देन 12% देन यू शुड एक्सेप्ट द बॉन्ड, यू शुड बाय द बॉन्ड बिकॉज द एनपीवी विल बी पॉजिटिव ओनली फॉर सच काइंड ऑफ बॉन्ड। करेक्ट, वाईटीएम इज जस्ट आईआरआर। यस ओके, मुझे लगता तुमको समझ गया है। अब आई आर आर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आई आर आर वी हैव टू मेथड्स। वन इज दिस मेथड, ओके गाइस, ये वाला मेथड है। वन इज दिस मेथड, इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। याद नहीं करना, नॉट अ गुड आइडिया टू मग अप द फॉर्मूला एट ऑल। क्या है ये? सी प्लस एफ माइनस पी। एफ माइनस पी पता है क्या होता है? एफ इज योर रिडेम्पशन अमाउंट, पी इज योर प्राइस। डिफरेंस इज वॉट? कैपिटल गेन। सिंस योर सी इज पर एनम, कैपिटल गेन इज टोटल। तुम दोनों को ऐड कर सकते हो क्या? गलत। तो क्या करेंगे? कैपिटल गेन को भी पर एनम में कन्वर्ट करो। तो कैपिटल गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स विल गिव यू कैपिटल गेन पर एनम। कूपन पर एनम प्लस कैपिटल गेन पर एनम इनकम पर एनम। ओके, इनकम पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इज वाईटीएम। तुमको पता है इसके अंदर में क्या कंसिडर नहीं हुआ? इसके अंदर में क्या कंसिडर नहीं हुआ? री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग कंसिडर नहीं हुआ। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डिटेलिंग। एक्चुअली इन द क्लास आई हैव टोल्ड द स्टूडेंट दैट वाईटीएम के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं। वाईटीएम के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, जो वाईटीएम बोलते हो ना तुम, इसके तीन कॉम्पोनेंट होते हैं। एक होता है, इसको हटाओ पहले यहाँ से, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ओके, सो YTM के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं। एक पार्ट मतलब वो जो द यील्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट, दैट 12% कंप्राइजेस ऑफ कूपन, कूपन, कैपिटल गेन एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम और द कंपाउंडिंग इनकम। लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे, डिटेल में घुस गई मैं तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी और उतने कम टाइम में सारा कुछ हो नहीं पाएगा। YTM कैलकुलेशन का मेथड देखो, सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड ये वाला हो गया। तुमको एक बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, that okay, please listen very carefully, this formula can be only used if your coupon is constant, coupon rate is constant. Agar coupon ka rate constant nahi hai, then you cannot use this formula. Second requirement, the redemption should happen one shot. Iska ye matlab hua, this formula cannot be used to compute the YTM of the bond. This formula cannot be used to compute the YTM of the bond where the bond is a floating coupon bond, where the bond pays coupons in principal in installment. You cannot, because the coupon is changing. और C में तो हम एक ही कुछ ले सकते हैं, तो मैम हम क्या करें फिर उसे, हम क्या करें? तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको IRR method से, which is called trial and error method, ये method से तुमको calculation करनी पड़ेगी। You will substitute the price of the bond here, the coupon here, redemption amount here, and n here, and you will use the IRR method to compute the YTM. वैसे देखा जाए तो the IRR method or the trial and error method is the only correct method in order to compute the YTM of the bond. Okay? ट्रायल एंड एरर मेथड ही सबसे सही मेथड है इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड। तो तुम उसे सवाल कर सकते हो कि मैम फिर आप शॉर्टकट क्यों यूज करते हो, वो तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है। अगर कोई बॉन्ड का कूपन का रेट फिक्स है थ्रू आउट द मैच्योरिटी, ओके, एंड द बॉन्ड रिडेम्पशन इज हैपनिंग वन शॉट, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड, तो जो आंसर तुम YTM का इससे निकालोगे और सेम बॉन्ड का अगर तुम YTM इस मेथड से निकालोगे, दोनों मेथड से आंसर लगभग स्लाइटली डिफर करेगा। तो मैं इतना लॉन्गकट मेथड में क्यों जाऊं? बिकॉज देयर वुड बी मेनी सम्स, ऐसे बहुत सारे सम्स होंगे जहां पे ओके YTM वुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग सम। अब मैं ट्रायल एंड एरर करूंगी तो मेरा 15 मिनट उधर ही गया, फिर तो अपन एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर के अंदर में, दो भी नहीं कर पाएंगे। उस केस में अगर कूपन का रेट फिक्स है
चेंज कहीं भी नहीं हो रहा एंड प्रिंसिपल रिडेम्पशन इज वन शॉट, देन कंप्यूट द आंसर एज पर द शॉर्टकट मेथड. लेकिन हाँ, बच्चे पूछते हैं कि मैम इंस्टीट्यूट ने कभी किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज किया है, कभी लॉन्ग कट यूज किया है, हम लोग क्या करें? फोकस ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, इफ YTM इज द हीरो ऑफ द सम, अगर YTM सम का हीरो है, मतलब YTM ही कैलकुलेट करना है, तो तुमको लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, देखो टाइम कितना है पेपर के अंदर में. अगर दो ही मिनट मिला है तो क्या करोगे? शॉर्टकट ही करोगे ना. करेक्ट 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 करेक्ट. ओके, सो वी आर डन हियर. ओके नाउ, सो वी आर गोइंग अहेड विद अ क्वेश्चन हियर, क्विकली मूविंग फॉरवर्ड एक्चुअली. ओके, टुडे द बीइंग द 1st जनवरी 2019, राम इज कंसिडरिंग टू परचेज एन आउटस्टैंडिंग. ये सम शायद से रुक जाओ, नहीं ये सम नहीं आया था, ये सम नहीं आया था. बताऊंगी कौन सा सम अभी मई 23 में आके गया. कॉर्पोरेट बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 that was issued on 1st January 2017 which has 9.5% annual coupon and 20 years of original maturity, maturing on 31st December 2027. Since the bond was issued, the interest rates has been downside and it is now selling at a premium of 125.75 per bond. Dhyan dena bahut carefully. Unhone kya bola hai ki bond is selling at a premium of 125.75 rupees. Iska ye matlab hua कि बॉन्ड की आज की प्राइस कितनी है? 1125.75. ध्यान देना, प्रीमियम दिया है, बॉन्ड की प्राइस नहीं दी है उन्होंने. गलती होगी तुमसे, पक्का गलती होगी, बट बी केयरफुल. ओके, क्या निकालना है हमें? पीवी फैक्टर्स दिया है इन्होंने. देखो यहाँ पे, कैन यू सी हियर, ये वाली लाइन देखो, ये दिखा तुमको. अब YTM में क्या करेगा बंदा, कि उन्होंने 6% से डिस्काउंटिंग करी. मैं डिटेल में नहीं जा रही गाइस, अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने को, राइट? तो अपने को चाहिए, मैं अगर तुम बोलोगे तो मैं एक टाइमलाइन, बिकॉज दैट इज माय फेवरेट, तो आई कैन डू दैट पार्ट एट लीस्ट. कितने साल का बॉन्ड है ये? ओ, 9 ईयर्स का बॉन्ड है ये, नॉट अ प्रॉब्लम. सो 0, then 1, then 2, then 3, ... 9, और इसका कूपन इज 95, 95, 95, ओके 95 एंड प्लस 1000. प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है क्या? नहीं, फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है. और प्राइस कितनी है यहाँ पे? 1125.75 ब्रैकेट्स में. अब खत्म हो गया. दैट मीन्स तुमको क्या करना पड़ेगा कि यू विल डिस्काउंट दीज कैश फ्लोस. ओके, यू विल डिस्काउंट दीज कैश फ्लोस विद द हेल्प ऑफ टू रेट्स. तुमको चाहिए एक वैल्यू 1125.75 से ज्यादा और एक वैल्यू 1125.75 से कम, सो दैट यू कैन इंटरपोलेट. ओके, लुक एट देम हियर. सो बेसिकली गाइस, हियर इफ यू सी हियर, ये इन्होंने क्या किया पता है? एनपीवी निकाल दिया. कैन यू सी हियर, इधर इन्होंने एनपीवी निकाल दिया. कैन यू नॉट सी, दे डिडक्टेड दिस. सो बेसिकली दे डिड द इंटरपोलेशन. हाउ डू यू डू द इंटरपोलेशन? Unknown rate minus lower rate divide by, what is the rate? Divide by higher rate minus lower rate and the corresponding values. R corresponds to how much? R corresponds to how much? बहुत easy है, इससे ज्यादा easy कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए लाइफ में, करेक्ट ना? इससे ज्यादा कुछ भी easy नहीं हो सकता. R corresponds to 1125.75 माइनस 6% से जो वैल्यू आई यहाँ लिखोगे, 8% से जो आई वैल्यू यहाँ, माइनस 6% की वैल्यू, इंटरपोलेट एंड गेट द आंसर. एंड द आंसर दैट दे हैव कैलकुलेटेड 7.55%. कहाँ पे? कृति हरीश इज सेइंग, ओके, टुडे बीइंग द 1st जनवरी 2019, Ram is considering to purchase an outstanding corporate bond have a face value of 1000 that was issued on 1st of January 2017 which has 9 points. So 2019 to 2027, how much is that?
इट विल बी 9 ईयर्स ओनली. काउंट करके देखो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 9 years, 9 years, yes, full 9 years. It's correct completely. Don't have to bother at all. And we are done, guys, here. So we are moving ahead quickly towards, because बहुत सारा topic pending है. अब यहाँ पे ये समय देखोगे तो मैंने बोला है YTM निकालो. Yes, remaining period 9 years. Yes, correct. Now, if you want to compute the YTM of a semi-annual bond or a bond which pays coupon more than once in a year, तो तुमको ये adjustment करनी पड़ेगी यहाँ पे. देखो, C by M, F minus P divided by N into M. मैं इस डिटेल में नहीं घुस रही, rather मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ that YTM that you calculated is per semester. Okay, अगर ये तुम 2 की जगह पे, if you would have taken 4, 4, okay, 4, 4 लेते तुम, यहाँ पे 4 मत ले लेना. This two is for average. Okay, so 8 by 4 हो सकता है and 5 into 4 हो सकता है. 110 plus 95 by 4 नहीं हो सकता, बिकॉज वी वॉन्ट एन एवरेज ऑफ 110 plus 95. वहां पे 2 मीन्स एवरेज के लिए. ओके, एंड न्यूमरेटर में जो 2 है दैट इज फॉर सेमी एनुअल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2, बी केयरफुल. ओके, सो पर सेमेस्टर. व्हाट इज BEY? पूरे जिंदगी में आई हैव सीन ओनली 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन BEY एंड EAY. यू नो व्हाट इज दैट? एनी रेट, whether it is a YTM or a current yield, agar if you calculate that YTM or current yield or any other rate for less than maturity of 1 year, like quarterly rate, half yearly rate, to ideally hamesha annualize karna chahiye. Ideally hamesha annualize karna chahiye, correct na? To annualize karne ke liye you have 2 methods. Number 1, simple interest method and compounded method. Look at this. Now here, 5.37 into 2 bond equivalent yield. BEY का full form होता है bond equivalent yield. Priyam is asking, अगर quarterly होगा then, अगर quarterly होता Priyam, तो ये होता 8 by 4 plus 110 minus 95 divide by 5 into 4 and divide by 110 plus 95 divide by 2. ऐसा होता. Okay, so bond equivalent yield is this one. Okay, or if you want to consider compounding part also, then ये method, इसका full form होता है effective annualized yield. That means you are considering the compounding part. कैसे? 100 प्लस 5% कितना हो गया? 105. फिर अगेन प्लस 5% कितना हो गया? देखो कितना हो गया, 105 प्लस 5% करोगे तो यू गेट 110.25. सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट हियर? 1.05 रेस्ट द पावर 2 इज 10.25%. ओके, तो यहां पे क्या किया देखा, यहां पे तुमने ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज वो घबराहट हो जाएगी. इफ यू डू नॉट सी, आई हैव टॉट ऑल दिस इन द क्लास, सो स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस पार्ट. बट मुझे सारे बच्चों का नहीं पता ये चीजें तुमको पढ़ाई गई है कि नहीं पढ़ाई गई है, तो मैं अननेसेसरी तुमको परेशान नहीं करना चाहती एट दिस मोमेंट वेर इन हमारे सामने एग्जाम्स आने वाले हैं. जस्ट लीव दिस पार्ट, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू विल मैनेज गुड. अगर EAY नहीं आता है, BEY करके छोड़ देना, इट्स ओके. इट इज जस्ट दैट कंपाउंडिंग कंसिडर हुई है, कुछ भी नहीं है. मतलब 5 into 2 करोगे तो 10%. ओके, एंड 1.05 रेस्ट द पावर 2 करोगे तो 10.25%. दैट इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. समझाना? नाउ दिस इज अ वेरी अगेन एग्जामिनेशन सम एक्चुअली. ओके, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट 1 lakh इन 7 years, 8% बॉन्ड इन द मार्केट. ओके, यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइस एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस. कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है. तुम्हारे पास में डेटा ऑलरेडी है. देखो, 8% इज द कूपन, 7 ईयर इज द मेच्योरिटी, 1 lakh is your फेस वैल्यू. ओके, फेस वैल्यू 100 वैसे दिया हुआ है, 1 lakh इज द इन्वेस्टमेंट बेसिकली, एंड विच वॉज इशूड 2 ईयर्स अगो. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो 2 ईयर्स अगो हुआ था ना, तो टोटल मेच्योरिटी 7 ईयर्स की है. तो 2 ईयर्स पहले बॉन्ड इश्यू हुआ था, तो रिमेनिंग मेच्योरिटी कितनी हो गई? 5.
एंड दैट इज वाई कुछ भी नहीं करना है सम में. तुम देखो यहाँ पे 8 8 ऐसे तो बताया मैंने तुमको 8 8 8 8 108 9% से डिस्काउंट किया आंसर लाया. फिर से 7% से वही 8 8 8. कंपनी जो तुमको देगी वो चेंज नहीं होगा, कंपनी जो तुमको देगी वो चेंज नहीं होगा. मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से तुम्हारा आरओआर विल चेंज. ओके एंड अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में रेट 10% की चल रही है देन यू वुड वांट टू अर्न 10% फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. अगर मार्केट में रेट इज 12% देन यू वांट टू अर्न 12% फ्रॉम योर मनी. बट द कंपनी इज नॉट वांटिंग टू गिव यू मोर देन व्हाट विल यू डू. द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैज टू गो डाउन. ओके सो दैट यू कैन इंक्रीज द कैपिटल गेन कॉम्पोनेंट. तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि इफ योर रिक्वायरमेंट लुक एट दिस दोनों एग्जाम्पल देखो. हियर माई रिक्वायरमेंट वॉज 7%, माई रिक्वायरमेंट वॉज 7%. ओके तो आई वॉज रेडी टू पे 104, आई वॉज रेडी टू पे 104. अब माई रिक्वायरमेंट सपोज इंक्रीजेस टू 9%. इज द कंपनी चेंजिंग द कैश फ्लोज? वही 8, वही 100. तो अब अगर मुझे सेम बॉन्ड से अगर 7 की जगह 9 अर्न करना है तो मैं क्या करूंगी? I will not buy the bond at 104. Only if the price comes to 96.11, so that I can increase my capital gain component. Because redemption is 100. Agar price niche chali jayegi, to capital gain component bad jayega. And with the help of that, I can increase my yield, my ROR, my YTM from 7 to 9. Look at this. I showed you something and I also told you that मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. देखो लिखा है YTM comprises of 3 elements: coupon, capital gain and reinvestment income. Correct, correct, correct आयुष. तो ये सम पूरा उसी तरह से तुम्हारा है, सेम समय कुछ भी. एक पार्ट मैं तुमको जरूर समझाना चाहती हूँ बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मैनेजेबल. कुछ नहीं करना है, डिस्काउंटिंग करनी है अलग अलग रेट से. वन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे सेड दैट व्हाट विल बी द इफेक्टिव यील्ड इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1%. ओके व्हाट विल बी द इफेक्टिव यील्ड इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1%. तो क्या किया इन्होंने, दे हैव यूज सी बाय पी इंटू 100. ये किसका फॉर्मूला है पता है? करेंट यील्ड का. देखो कूपन इज 8, प्राइस 100 सपोज. ओके तो क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने 101, यानी कि 1 ऐड किया एंड इन टू 100, दैट मीन्स टू से यू गेट अ यील्ड ऑफ 7.92%. ओके नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट? 2% ऑफ 1 लाख. लेकिन आर यू गिविंग अगेन एंड अगेन और यू आर गिविंग ओनली वंस? आई एम गिविंग ओनली वंस. तो डिवाइड किया है. ओके एक देखो यहाँ पे डिवाइड किया, क्या किया है? एक साल के कूपन को डिवाइड किया है बस. दे हैव टेकन ओनली 1 ईयर कूपन. 8% डिवाइड बाई 360 किया है, दैट मीन्स 1 लाख इंटू 8% इज अ टोटल कूपन इनकम. डिवाइड बाई 360 करोगे तो क्या होगा? कूपन इनकम पर डे. तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 2000. तो कितने दिन में हम ये ब्रेक इवन कर लेंगे? 90 डेज. 365 लोगे तो ये. गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू गाइस? कुड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू दिस पार्ट? समझ आ रहा है अच्छे से ये सारी बातें? टेल मी प्लीज. ओके गोइंग अहेड नाउ. कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन. ओके सो क्या होता है अभी नाउ? प्रॉब्लम है एक कि या तो मैं फॉर्मूला बेस चले जाऊं तुम्हारे लिए, ड्यूरेशन कैलकुलेशन का मेथड है तुमको बता दूं मैं और मैं निकल जाऊं वहां से, लेकिन थोड़ा सा सुन लो. सो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू बाय अ बॉन्ड और तुम YTM निकालते हो. सपोज करो तुमने एक बॉन्ड खरीदा, एक यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ, रुक जाओ. तो सपोज करो YTM निकालते हैं 10, कौन सा नहीं मिला, ब्रेक इवन का नहीं समझा. ओके ब्रेक इवन का आई टेल यू अगेन.
सो ब्रेक इवन इज लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 2% ऑफ 1 लाख, करेक्ट ना? 2% ऑफ 1 लाख इज द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड. सुनना ध्यान से. तो आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी डेज विल आई टेक टू ब्रेक इवन दिस कॉस्ट. तो ब्रेक इवन, हाउ विल यू डू द ब्रेक इवन? ओनली इफ यू रिसीव मनी. हाउ आर यू गोइंग टू रिसीव मनी? यू आर गोइंग टू रिसीव मनी ओनली विद द हेल्प ऑफ कूपन. तो 2000 रुपीज, ओके, 2000 रुपीज एंड 1 लाख इंटू 8% इज द टोटल कूपन दैट यू विल गेट इन द होल ईयर. 1 ईयर, 1 ईयर में यू विल गेट 8% ऑफ 1 लाख, ओके. बट दे आर आस्किंग इन हाउ मेनी डेज यू विल ब्रेक इवन. दैट मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट ओके दिस अमाउंट इंटू डेज पर डे. सो यू आर बेसिकली अर्निंग 22.22 रुपीज पर डे एंड आई हैव स्पेंट 2000. सो इन हाउ मेनी डेज विल यू बी, यू आर अर्निंग 22.22 पर डे एंड यू हैव स्पेंट 2000, इन हाउ मेनी डेज विल यू ब्रेक इवन? 90 डेज. अंडरस्टूड गाइज नाउ? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अभी समझो, 2000 रुपए तुमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट के खर्च किए एंड तुम कमा रहे हो 22.22 पर डे कूपन से, तो कितने दिन में वो 2000 तुम्हारा रिकवर हो जाएगा? 90 डेज में. अंडरस्टैंड? करेक्ट? या करेक्ट. मत करो, और कोई मेथड यूज ही मत करो. जो मेथड दिया है वही मेथड यूज करो. क्यों फालतू में उनको कॉम्प्लिकेट करना, अपन क्यों करें अननेसेसरी? उन्होंने सोल्यूशन दिया, गो हेड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके चलो स्टार्ट. ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन. सो व्हाट इज ड्यूरेशन नाउ? एज आई टोल्ड यू YTM. सो सपोज करो कोई बॉन्ड है, ओके, तो सपोज करो कि मे बी लाइक देयर इज अ बॉन्ड एंड 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है और ये 100, ओके, 100 प्लस 1000 or maybe I can take something else. Can I take like 120? 120 ले लेती हूँ. Okay, in the price 970 is the price. So what will be the YTM? क्या आ जाएगा इसका? YTM will be 1000. So 1000 माइनस 970 डिवाइड बाई 5 प्लस 120, करेक्ट? दैट्स 126. एंड 1000 प्लस 970 डिवाइड बाई 2. सो 126 डिवाइड बाई, आई गेट 12.79%. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका ये मतलब होता है, I bought a bond at a price of 970 and I'm going to get, sunna dhyan se bahut carefully, and I'm going to get 120 from the bond for 5 years and redeem the bond at a price of 1000, correct na? Now, the YTM of the bond when I calculate, I get 12.79%, but it is not that simple to understand. Iska ye matlab hota hai, if you buy the bond at 970, receive 120 per annum 5 times, 5 saalon tak, redeem the bond at 1000. Not only that, if you reinvest these coupons, okay, at the rate of 12.79, then you are earning 12.79%. okay, tumko nahi lagta ki ye YTM ke liye bahut complicated ho gaya? Tumko agar meri baat pata nahi samajh mein aa rahi hai ki nahi aa rahi hai, agar nahi bhi samajh mein aa rahi to chalega, waise kaam ho jayega apna. Main fir zyada complications mein nahi jaungi, ज्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाऊंगी, फटाफट रिवाइज करा के निकल जाऊंगी. सो इन शॉर्ट, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड. सुनो ध्यान से, ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड. मतलब अगर बॉन्ड को तुम ड्यूरेशन तक होल्ड करते हो तो भले ही मार्केट में इंटरेस्ट का रेट ऊपर जाए नीचे जाए, तुमको तुम्हारा प्रॉमिस्ड YTM मिलेगा. अब सुनना ध्यान से आगे. तो क्या होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा? तुमको पता है तुम्हारा ये जो कूपन है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा हायर रेट पे रीइन्वेस्ट होगा. ओके, आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट, आई डोंट नो एट ऑल, आई डोंट नो. तो फिर भी थोड़ा बोलती हूँ,
जिन लोग को मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, फॉर एग्जाम्पल जिन क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो ऑफकोर्स ऑल माई स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस. जो बच्चे बाहर के हैं ना, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है, वो लोग भी चिंता नहीं करो, तुम बिल्कुल मैकेनिकल चले जाना पेपर में. तुमको नहीं भी समझोगे तो पेपर हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड एज सच. ओके नाउ, तो बेसिकली ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड जहां पे, जहां तक अगर तुम बॉन्ड को होल्ड करो तो यू आर सेफ. मतलब भले ही मार्केट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, तुमको तुम्हारा 12.79 मिल जाएगा. ओके इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जिसको हम लोग मैकॉलेज ड्यूरेशन बोलते हैं. देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट है, इसका एक इजी तरीका है, बताऊं कैसे. मैं एक मिनट देना मुझे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. हाउ मेनी ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन? ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट? All of you know how to calculate? You know how to calculate duration, right? Okay, fine. So basically, आसान तरीका दिखा देती हूँ duration calculate करने का. मैं नहीं जाती हूँ logic में, because तुम confused हो जाओगे बहुत ज़्यादा. Duration, अगर suppose करो, दो तीन बातें याद कर लो, वो better होगा. For example, year, okay, one, टू थ्री फोर, चार साल का बॉन्ड लेती हूं. ओके एंड कैश फ्लोस, वही जील बता रही हूं, कैश फ्लो इज 120 120 120. नहीं ये तो वहां आसान तरीका बता रही हूं, तो बोल रही हूं कि 1120. ओके नाउ पीवी एट द रेट ऑफ, सपोज करो कि मैं 10% ले लेती हूं. ओके नाउ हियर 0.909, ओके 0.909, 0.821, 0.8, डिवाइड बाय 1, इट्स 0.751, ओके एंड 0.683, ठीक है. पीवी फटाफट करो, 120 इंटू 0.909 विल गिव मी 109826 होगा, राइट. ओके सो 109.08, ओके देन 120 इंटू 0.826 विल गिव यू 99.12. ओके देन 120 इंटू 0.751 विल गिव यू 90. मुझे करने दो, करने से बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. 1120 इंटू 0.683, इनकेस पीपल डू नॉट नो, 764.96. हाँ कर दिया. 120 इंटू 0.826 इस 99.12, यस कर दिया. आई अंडरस्टूड दैट. तो टोटल करती हूँ ना, ध्यान देना बहुत केयरफुली. सो 109.08, ओके प्लस 99.12 एंड प्लस 90.12 एंड प्लस 764.96, ओके दैट गिव्स मी, यू नो वॉट, ये तुम्हारा प्राइस हो गया बॉन्ड का, ये तुम्हारी बॉन्ड की प्राइस हो गई. इसलिए एक बात का ध्यान रखना, रिमेम्बर, अगर बॉन्ड सम आया है तुम्हारा और वो सम में बोलते कंप्यूट द प्राइस, कंप्यूट द ड्यूरेशन एंड कंप्यूट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सपोज उन्होंने बोला, ओके तो तुम अलग से पहले प्राइस मत निकालना, बिकॉज वाइल कंप्यूटिंग ड्यूरेशन ओनली, रस्ते में प्राइस तो खुद ब खुद निकल जाएगी, तुम अलग से एफर्ट क्यों ले रहे हो निकालने का. अब ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा जो है, ये जो तुम्हारा है, ये दिस इज योर एक्स, करने दो, करके समझाऊंगी ज्यादा अच्छा समझेगा. एंड दिस इज योर डब्ल्यू, ओके एक्स आई एंड डब्ल्यू आई. अब तुमको क्या करना है, एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई करना है. सो वन दिस इंटू दिस, सो दिस विल बी 109.08, ओके देन टू इंटू 99.12 विल गिव यू 198.24, then 3 into 90.12 will give you 270.36, okay, then we have 4 into 764,
0.96 will give you 3059.84. टोटल करो, टोटल करो. वो मेथड उनका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे. 270.36 प्लस 198.24 एंड प्लस 109.08 विल गिव मी 3637.52. ओके, ड्यूरेशन कैसे निकालोगे? ड्यूरेशन विल बी 3637.52 डिवाइड बाई 1063.28 डिवाइड बाई 1063.28. ओके, इट गिव्स मी 3.42. कैसे लिखते हो 3.42? ईयर्स होता है ये. देखो ध्यान से देखो क्या किया मैंने. इट इज ईजियर, कुछ भी नहीं करना है. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. फिर क्या करना है? ईयर के कॉलम को पीवी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है और डब्ल्यू वाई से डिवाइड करना है. थ्री, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी एज ऑफ टूडे टू एक्सप्लेन यू वॉट इज दिस 3.42 ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स बॉन्ड इज दिस? 4 ईयर्स. ओके, एंड you got a duration of 3.42. what does it mean? It means that if you hold the bond for 3.42 years, agar aap apne bond ko 3.42 years tak hold karoge to you are safe. to bolo ma'am safe ka matlab kya? safe ka matlab ye hota hai ki jo ytm bond ne shuru mein aapko promise kiya tha, kitna promise kiya tha? 10% promise kiya tha. ओके, 10% प्रॉमिस किया था. तो जो YTM आपको 10% शुरू में प्रॉमिस हुआ था, अगर आप बॉन्ड को 3.42 इयर्स ही होल्ड करोगे, ना कम ना ज्यादा, देन बाय डिफॉल्ट तुमको 10% पर एनम यू आर गोइंग टू अर्न. अब कई बच्चों के दिमाग में यह भी बात आती है कि अगर हमने ज्यादा होल्ड किया तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा. नहीं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो कि मैं अभी रिविजन के अंदर में नहीं बता सकती. मैकॉले क्या बोलता है? दिस मेथड, ये जो मेथड मैंने यूज किया है, इसको बोला जाता है मैकॉलेज मेथड. मैकॉले सेज दैट, कैसे इंटरप्रेट करोगे? इफ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर 3.42 इयर्स, देन यू हैव बीन एबल टू रिकवर योर कॉस्ट और प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ओके, ऑन एन एवरेज. इसका ये मतलब होता है तुमने जो पैसे दिए हैं शुरू में खरीदने के लिए, वो 3.42 इयर्स में लगभग रिकवर हो जाएगा. ओके, तो इसका ये भी मतलब, कैसे रिकवर हो जाएगा? कूपन से रिकवर हो जाएगा. कूपन को तुम री इन्वेस्ट करोगे, उससे हो जाएगा. एक बात का ध्यान रखना, व्हाट मॉडल आर यू यूजिंग हियर? द प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यू आर यूजिंग. प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर में हम कूपन लेकर के मूंगफली नहीं खाते, उसको री इन्वेस्ट करते हैं. यानी कि जब पहला 120 मिलेगा तुम्हें तो तुम उसको 3 साल री इन्वेस्ट करोगे. जब दूसरा 120 मिलेगा उसको 2 साल री इन्वेस्ट करोगे. तीसरा 120 मिलेगा उसको 1 साल री इन्वेस्ट करोगे. और फोर्थ ईयर के एंड में सारे पैसे एक साथ निकालोगे. दिस इज द अंडरलाइंग, ये अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है मॉडल के पीछे में, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है शायद से. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट. तो मैकॉले मेथड है ये. मैकॉले ये कहता है दैट इफ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर 3.42 इयर्स, देन यू विल बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ योर बॉन्ड बाय द एंड ऑफ 3.5 इयर्स. तो एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो यहां पे. और वो जवाब तुमसे मैं ये मांग रही हूं कि इफ द कूपन रेट वॉज मोर देन 12%, यहाँ 12% लिया है ना मैंने, इफ द कूपन रेट वॉज मोर देन 12%, तो मेरा ड्यूरेशन का आंसर वॉज 3.42 मोर और लेस. क्विकली गाइस, मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर मैं कूपन की रेट को इंक्रीज कर दू 12 से 14%, तो ड्यूरेशन विल बी 3.42 मोर और लेस. एंड इफ लेस, why? if more, why? चलो फटाफट आंसर करो. लेस आता, वेरी गुड, लेस आता. क्यों लेस आता? क्यों लेस आता? माई क्वेश्चन टू यू इज दैट क्यों लेस आता?
यस मैकॉले ने क्या बोला, ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड by which we are able to recover our investment on a pro rata basis. अगर कूपन ज्यादा होगा तो रिकवरी और फास्ट होगी ना, बार 120 की जगह अगर 140 मिलेगा तो मैं तो मेरे बॉन्ड का कॉस्ट और जल्दी रिकवर कर रही हूं, तो ड्यूरेशन विल बी लेस देन 3.42 इयर्स. एग्जैक्टली, तो फिर एक आंसर करो फटाफट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? करेक्ट करेक्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? अगर याद है तो बोलो. एग्जैक्टली, वेरी गुड. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? यस करेक्ट, मैच्योरिटी. The duration of a zero coupon bond will be equal to maturity. Why? Because it is not giving any coupon and hence I am not able to reinvest anything. Okay? So, meri koi recovery nahi ho rahi cost ki. Wo ek saath hogi maturity wale din. Very good. Very good. Bahut achhe. Bahut achhe balak hai. Maza aaya mujhe. Okay. That means, to method ye wala use karo, ye asaan tarika. This is an easier method. ओके, वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड. अब एक बात तुमको बता दूं, यहां पे बहुत सुंदर है कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली नाउ बॉन्ड ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है और ये तुम्हारा दिस इज योर प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ओके, सो आई समवेयर यू शुड नो दैट, समवेयर यू शुड नो दैट the relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. मतलब अगर तुम discounting factor को increase करोगे तो bond की value नीचे चली जाएगी. अगर तुम discounting factor को, and that is why I am saying that the relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. Inverse है ना? Okay, यानी कि discounting factor बढ़ेगा तो बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू विल गो डाउन. बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर इन नेचर. मतलब इसका क्या, इफ ओके इफ आर गोज अप बाय 1%, ओके वी, जगह बहुत कम मिल रही है मेरे को, रुक जाओ, रुको रुको, थोड़ा समय दो. इफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ R goes up by 1%, okay, V0 goes down by 2%. If R goes down by 1%, V0 goes up by 2%. ये क्या है? V0. और ये क्या R? Tell me one thing, the relationship which I have given you here, ये क्या है? ये linear है क्या non-linear है? This is a linear बॉन्ड से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूं. दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप और अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप? क्विकली जल्दी बोलो, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप और अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप? जल्दी बोलो, लीनियर रिलेशनशिप. वेरी गुड, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप. तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, करेक्ट, लीनियर है. वेरी गुड, मुझे लग रहा है ये सारे बच्चों ने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है तुमने, लीनियर. वेरी गुड वेरी गुड. अभी बताना, तो ऐसे रिलेशनशिप को अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, करेक्ट है? अब एक और लिख रही हूं, इफ आर गोज अप बाय 1%, वी जीरो कम्स डाउन बाय 2%, ओके, एंड इफ आर गोज डाउन बाय 1%, V0 goes up by 3%. ये कैसी रिलेशनशिप है? ये कैसी रिलेशनशिप है? ये वाली, ये कैसी रिलेशनशिप है? ये कैसी रिलेशनशिप है? ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? What kind of relationship is this? Non-linear. अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ऐसा आना चाहिए,
ऐसा आना चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली बेसिकली एक्चुअली ओरिजिनल तरीके से अगर देखोगे ना, अगर ओरिजिनल तरीके से द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअली नॉन लीनियर इन नेचर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितने टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे ना, इधर इधर इधर, हर जगह पे अलग रिलेशनशिप है, ओके। बट हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस कॉन्वेक्स कर्व। मतलब एक्चुअली रिलेशनशिप नॉन लीनियर है बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, बट आई विल ड्रॉप द अजम्पशन ऑफ नॉन लिनियरिटी। मतलब मैं क्या बोलूंगी, प्लीज एक बार के लिए तुम भूल जाओ कि रिलेशनशिप नॉन लीनियर है और अज्यूम कर लो कि रिलेशनशिप लीनियर है। तो कैसे करूं, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट का जो स्लोप है इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, करेक्ट, वेरी गुड, इट इज कर्वी लीनियर। नाउ ध्यान देना, अब एक एक करके मुझे आने दो, तुम्हारी टॉपिक पे आ, मुद्दे पे आ रहे हैं। वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड और मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM, डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM, यहाँ पे आंसर आया था 5.758, ओके। देखो ये मैं हटा रही हूँ, ये मैं हटा रही हूँ, बिकॉज तुम कंफ्यूज कर जाओगे। तुम इसी तरीके से आंसर निकाल लेना, ऊपर का ये पूरा मैं हटा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज एग्जाम्पल विच डज नॉट मैच विद द गिवन वन, मैंने शॉर्टकट में लिया था, ओके। सो बेसिकली द ड्यूरेशन दैट यू कैलकुलेटेड वॉज 5.72 व्हाटएवर, यहाँ पे इट गॉट डिवाइडेड बाय 1.09, ओके। ये देखो फॉर्मूला है ये वाला 5.28, हाउ विल यू इंटरप्रेट 5.28, मतलब ये जो आंसर है ना, ये जो स्लोप है ये 5.28 है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, इसको वी विल इंटरप्रेट इफ द इंटरेस्ट रेट्स चेंज बाय 1% 100 BPS, then the price of the bond will change by 5.28% in the opposite direction. ऐसे इंटरप्रेट करोगे ना, तो अब चेंज वर्ड यूज किया, मतलब मैंने क्या, मैंने तो ऐसा बोल दिया, मैंने क्या बोला, इफ रेट्स गो अप बाई 1% प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल गो डाउन बाई 5.28%, इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन बाई 1% The price of the bond will go up by 5.28%. मतलब I dropped the assumption of non-linearity for the time being. Okay? तो अगर मान लो कि मुझे पता चले, देखो मैंने एक example कहीं पे दिया हुआ है, तुमको दिखाती हूँ, देखो मैंने extra add किया है यहाँ पे, ये part मैंने तुम्हारे exam के समय add किया, देखो the expected market price if the yield increases by 75 BPS, एग्जाम का सम ऐसा नहीं, उसमें ये पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट गाइस मैंने तुमको अभी पढ़ाने के लिए आई हैव एडेड, सो प्लीज मत बोलना कि मैम आपने गड़बड़ कर दिया, ओके, एग्जैक्टली करेक्ट, ओके। तो 75 BPS, तो ये 5.28 को तुमने क्या किया, 0.75 से मल्टीपल 3.96%, अब बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, कैन यू नॉट सी दैट, देखो इंक्रीज, अरे यार मैं क्या क्या कर रही हूँ, उससे कुछ हो रहा है, हाँ इंक्रीज, मतलब बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी। अभी बॉन्ड की प्राइस कितनी है, अभी द बॉन्ड प्राइस इज 914, सो 914 माइनस 3.96%, यू नो व्हाट, इफ द इंटरेस्ट रेट्स चेंज आर स्मॉल, हाउ स्मॉल, ये अगर इतनी ही दूर में होगा तुमको नहीं लगता कि हमें लिनियरिटी अज्यूम करने की, नॉन लिनियरिटी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, दैट मींस भले मैं वेदर आई यूज अ प्रॉपर मेथड टू कंप्यूट, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारी कितनी हो गई, 9.75 हो गया ना, तो तुम सेम कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9.75, करके देखो ना, ये सारे कैश फ्लोस को इससे कैलकुलेट करके देखो तुम, उसको बोलते हैं रीप्राइजिंग मेथड। ये मेथड कर्वी लिनियरिटी को कंसीडर करेगा। बच्चे पूछते हैं तो हमारे पास में नया प्राइस निकालने का दो मेथड हो गया, देखो यहाँ पे दो मेथड हो गया, एक ये वाला मेथड, विच मेथड, ड्यूरेशन मेथड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेथड, और दूसरा
रीप्राइसिंग मेथड, देखो प्रॉपर मेथड यूज किया, ये आंसर सही नहीं है, इसको वापस निकालो। आयुष इसका आंसर बताओ मुझे, 160, टेल मी द आंसर ऑफ दिस, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, 938 इज नॉट द करेक्ट आंसर, वो गलत टाइप हुआ इसलिए मैंने ग्रीन कर रखा है उसको। क्या वो शी इज आस्किंग? यस स्वाति, इट विल बी अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल, डोंट वरी। आयुष आंसर बताओ, प्राइस, फुल प्राइसिंग मेथड से आंसर बताओ, ये कितना, दिस इज 938 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सुवन दास सिंह 1306 आ रहा है, यस आएगा 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 आएगा, बिकॉज यू नो वाई, हाउ डिड आई क्रॉस चेक, शुभम ने बोला और कुछ बच्चों ने बोल रहे 1306 दे आर सेइंग, तो मैंने बोला करेक्ट है, कैसे बोली, बिकॉज योर कूपन रेट इज, यू नो व्हाट, योर कूपन रेट इज 16% एंड योर नाइन एंड योर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 9.75%, इसका मतलब द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी मोर देन द फेस वैल्यू, कैसे 16 स्टेप्स अहेड एंड 9.75 स्टेप्स पीछे, 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, कूपन रेट 10%, YTM 10%, प्राइस ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू, 16 कदम आगे 9.75 कदम पीछे, यू विल बी मोर देन फेस वैल्यू, एंड दैट इज आई सेड करेक्ट है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। ओके, सो द आंसर इज एक्चुअली, द आंसर इज एक्चुअली, यू नो व्हाट, हाउ मच, 1306.4. ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम, तुमको पता है ये सम मैंने पढ़ा, ये सम ही मे 23 में आया था, तुमको पता है दिस सम हैड कम इन मे 23, बट दिस हैज नॉट कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे 23, ये पहले भी सम पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम या मॉक में, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन पीछे आया हुआ, मैंने पीछे से, और यही लास्ट टू एंड हाफ ईयर्स के अंदर ही ये सम आया था। ओके, यस इट विल बी देयर, कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, यस वी कैन टेक अ ब्रेक, मुझे ये सम खत्म करने दो अदिति, फिर देन वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो हियर एन इन्वेस्टर हैज रिसेंटली परचेस्ड, ओके, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ 7 ईयर्स विथ 5% प्रीमियम पेबल ऑन मेच्योरिटी एट अ रिक्वायर्ड YTM ऑफ 9%, लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे डिड यू नॉट नोटिस कि यहाँ पे 50 रुपीज एड किया हुआ है, इट इज 1000, ओके, प्लस 50 एंड प्लस 67.5, वेरी गुड आस्था, 7 मार्क्स और आते तो यू कुड हैव स्कोर्ड एक्चुअली एग्जेम्पशन, बट एनी विच वेज इस टाइम कर लेना अच्छे से। ओके, देन देयर से हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइम, ये गाइस हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, हम उन्होंने मार्केट प्राइस बोली वो निकाल दिया, ड्यूरेशन निकाल दिया, वोलेटिलिटी निकाल दी, और मैंने एक्स्ट्रा जो पार्ट ऐड किया था वो भी हम लोगों ने कर लिया। ओके, वेरी गुड आस्था, एंड उसके बाद अब ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है सम के अंदर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर दूसरा इन्वेस्टर है, ही इज रेडी टू पे 897 फॉर द बॉन्ड, तो IRR या YTM निकालने को बोल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया गाइस, YTM निकाला है लेंदी मेथड से। ओके, हियर सो इफ यू सी हियर देयर इज अ लेंदी मेथड, एक्चुअली मैं तुमको दिखाऊं शॉर्टकट मेथड से दिखाऊं कितना आएगा, 67.5 प्लस 1050 माइनस 897 डिवाइड बाय 7, द होल डिवाइड बाय 1050 प्लस 897 बाय 2। अभी तुरंत मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला दैट इफ द कूपन रेट इज फिक्स्ड, इफ द कूपन रेट इज फिक्स्ड एंड द रिडेम्पशन इज वन शॉट, देन यू कैन यूज द शॉर्टकट मेथड टू कंप्यूट द YTM। द आंसर दैट यू विल गेट यूजिंग दिस मेथड हियर एंड द आंसर दैट वी गेट बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड शुड अप्रोक्सीमेटली बी द सेम। निकालो इसका आंसर, बताओ एग्जैक्ट, समबडी प्लीज कैलकुलेट, यस आस्था आंसर निकालो, अदिति आंसर निकालो, इससे गिव मी द आंसर, आई वॉन्ट आंसर यूजिंग दिस। सो 1050 माइनस 897 डिवाइड बाय 7 प्लस 67.5, ओके 89, देन
1050 प्लस 897 डिवाइड बाय 2. सो नाउ वी गॉट 9.18%. मैंने क्या बोला था तुमको? डिड आई नॉट से दैट? डिड आई? अब पेपर अगर छूट रहा होगा तुम्हारा तो तुम क्या करोगे? ये इतना बड़ा मेथड यूज करोगे? नंबर कटेंगे, मुझे पता है नंबर कटेंगे इफ दे आर आस्किंग फॉर अ लेंथी मेथड, बट व्हाइल यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम यू कैन एनी विच वेज नॉट यूज दिस मेथड. वो तुम आधा कैलकुलेट करके छोड़ दोगे. देन व्हाट यू शुड डू, यूज द शॉर्टकट मेथड एंड राइट डाउन देयर आई एम इन शॉर्ट ऑफ टाइम एंड हेंस आई कुड नॉट यूज ट्रायल एंड एरर मेथड. बट इफ वी यूज अ ट्रायल एंड एरर मेथड द आंसर शुड बी नियर बाय अप्रोक्सीमेटली नियर बाय और सेम ओनली. अगर मैं रहूंगी ना पेपर चेक करने को, मैं बच्चे को अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, मैं एक नंबर ज्यादा दूंगी. क्यों दूंगी? मतलब बच्चा तेज है, मतलब बच्चे को यह पता है कि इफ द टाइम, इफ देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट देन आई शुड नॉट गेट इनटू ट्रायल एंड एरर, आई शुड टेक आउट द आंसर एंड जस्ट क्विकली मूव ऑन. एक तरीके से एक फायदा और है, देयर इज अ गेन. When you use this method, तुमको ये पता चल गया कि interpolation कहाँ से चालू करना है. पता नहीं ये बात मेरे कितने बच्चों को समझी. Use this method to, अगर time, if you want to use a trial and error method, then use this method to know where does the interpolation starts. फिर एक rate ज्यादा, एक rate कम, interpolation खत्म. Misconduct हो जाएगा. Actually. But don't you think the kid would be very smart? You can write down there that if we use, we can use trial and error method also, okay? The answer would be approximately the same. Itna to likh sakte hain? Itna likh sakte hain. Correct. They are asking the relationship between price of the bond and YTM is opposite or inverse. The relationship between bond price and YTM is inverse. Ulta hota, humne abhi turant discuss kiya. Next point that I'm going to run, interest rate anticipation and portfolio churning. So, lo dhyan se, ye question bahut easy hai, fatafat kara dungi. So, what is the relationship? There is a bond property which is called, break lena hai 5 minute ka, do you want a break of 5 minutes? I will stop at dot 11. Okay, and tomorrow we can start a bit early so that we do not go beyond tomorrow. We can start half an hour early tomorrow, okay, maybe Monday. We can start half an hour early, guys, so that we do not have to take carry forward. Tuesday, ko by default, we should start with equity. So, do you want a 5 minutes break now or should I continue? Tell me. भाई इट्स ओनली 20 मिनट्स, खत्म कर देती. इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन. सो बेसिकली सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो प्रॉपर्टी, तुम सबको पता भी होगा. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इज इनवर्स इन नेचर, इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो अप द बॉन्ड प्राइस विल कम डाउन एंड वाइस वर्सा. यू ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट? देयर इज वन एडेड प्रॉपर्टी देयर एंड इट सेज दैट इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो अप द प्राइस ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विल कम डाउन, but it will come down more for longer maturity bonds. Hindi mein suno, iska ye matlab hua ki agar market mein byaj ka rate upar gaya, okay, to sare bond ki price niche jayegi because discounting factor badh jayega, lekin long term maturity wala bond mein loss uski price zyada niche jayegi, wahan pe capital loss in comparison to short term bond zyada hoga. Theek waise hi, if the interest rates go down, the prices of all the bonds will go up because PV will go up, right? But the value of the long-term bonds will be increasing more percentage-wise in comparison to the short-term bonds. Okay, this property would be exploited by the fund manager to gain more and avoid loss. Kaise? Agar wo log ko lag raha hai that interest rates are going to increase, that means long term वाले में loss ज्यादा होगा, तो loss को avoid करो. कैसे करेंगे? Long term वाले bond को बेचो और short term में shift करो.
ओके सिमिलरली इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल गेन मोर परसेंटेज वाइज इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. तो क्या करो, शॉर्ट टर्म वाले को बेचो लॉन्ग टर्म में, ताकि हमें ज्यादा कैपिटल गेन आ पाए. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो चर्निंग और कुछ भी नहीं है. ये सम तुम्हारा देखा हुआ है, पढ़ लेना यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारा. सबसे पहला क्वेश्चन दे आर आस्किंग, करेक्ट, सबसे द फर्स्ट थिंग दैट दे आर आस्किंग इज कैलकुलेट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो. सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू यूज अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर, बट वी डू नॉट हैव एनी अदर क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी ऑफ आईसीआई, है ही नहीं. और मैंने ढूंढा, बाकी सारे क्वेश्चन सब नए क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन वही वाले लिए जो मैं तुम्हारी बुक में, मैंने आई हैव नॉट गिवन नॉर आई हैव टॉट यू. तो तुम्हारा एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया. सारे क्वेश्चन जो शीट्स मैंने तुमको ग्रुप पे डाली है, वो सारे क्वेश्चंस आर टेकन केयर ऑफ नाउ इन बॉन्ड्स. एटलीस्ट चेक कर लेना फिर भी एक बार. तो 5 करोड़ इज द फेस वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड. ओके नाउ फेस वैल्यू मतलब टोटल फेस वैल्यू है वो. तो 5 करोड़ बाई 100 करोगे ना, तो 5 लाख बॉन्ड्स हो जाएंगे. 5 लाख बॉन्ड्स एवरीवेयर इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 5 लाख एंड इंटू 5 लाख, टोटल करोगे आंसर आएगा. देखो यहाँ पे देखा आया आंसर, ये आंसर पहला आंसर आ गया. नाउ फिर लिखा है केस वन, केस वन इंटरेस्ट रहेगा स्वाति, रहेगा एग्जाम तक रहेगा तुम्हारे. केस वन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 BPS. दिस परसेंटेज इज नॉट एट ऑल, ये इररेलेवेंट डेटा है यहाँ पे. दिस डेटा इज कंप्लीटली यूजलेस. यू हैव टू एक्सप्लॉइट ओनली द डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन द वैल्यू ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विल गो अप. इट विल गो अप मोर फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन कंपेरिजन टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. सो वॉट यू शुड डू, यू शुड सेल द शॉर्ट टर्म बॉन्ड एंड शिफ्ट इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग हियर एंड वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट, गाइस पता है हर बार एग्जाम के पहले बच्चे पूछते हैं, मैम आपने 2010 वाला बॉन्ड क्यों लिया, आपने क्यों लिया ये बॉन्ड क्यों लिया, यही वाला बॉन्ड क्यों लिया, आपने 2006 वाला बॉन्ड क्यों नहीं लिया. एक्चुअली मैं 2006 पे ही ले सकती हूँ, मैं 2010 भी ले सकती हूँ, एज लॉन्ग एज इट इज अ शॉर्टर मेच्योरिटी. अगर सपोज 2032 लेती हूँ तो मैं कोई भी ले सकती हूँ. आई कैन टेक 6, 10, 15, 22, एनी वन ऑफ देम. आई टुक 10 बिकॉज योर आईसीआई सोल्यूशन टेक्स दैट. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन माई आंसर एंड देयर आंसर, बिकॉज नंबर काटते हैं फिर वो लोग. हाँ देखो ये इन लोग को याद है सब. ओके सो द करेंट ड्यूरेशन निकाला हम लोगों ने एंड देन ये हम लोगों ने 20591 माइनस किया. कौन सा, ये वाला 3412. ओके ये 3412 देखो माइनस किया, और वो जो पैसे हैं इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर ड्यूरेशन है और वेट है. तो ये जो वेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला है. 13 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया. सेम फॉर द अनदर पार्ट ऑल्सो. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज, आई थिंक हमें आज यहां पे स्टॉप कर जाना पड़ेगा डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज में, बट नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी आई कुड टेक द लेक्चर. एटलीस्ट आज मैं फेल नहीं करने वाली थी किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाता. मैं 6 o'clock कांदिवली, इट्स 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई ऑफिस. बॉम्बे में ये दिस डिस्टेंसेस आर नॉर्मल. ओके अगर तुम बॉम्बे नहीं रहते हो तो यू सर ही आई एम 15, नो इन बॉम्बे इट इज अ नॉर्मल डिस्टेंस. आई रीच होम एट 6:37 एंड आई थॉट कि आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम माई होम स्टूडियो बिकॉज इट विल बी लेट इन द इवनिंग. ओके तो मैंने स्टाफ को भी छुट्टी दे दी एंड आई थॉट कि मैं कर लूंगी. वहां जाके जब हमने चालू किया तो 1 घंटे हम लगे रहे. हमने बहुत कोशिश करी कि हम वायरस को हटाएं, सब कुछ करें, नथिंग वर्किंग. आई कॉल्ड माई ड्राइवर इमीडिएटली एट 8 o'clock एंड सिंस इट इज फार 15 किलोमीटर्स आई कुड रीच एट 9. तो एक बात आज मैं तुमको ये प्रॉमिस कर देती हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम ये मत सोचना कि मैम लेक्चर नहीं लेगी. मैं लेक्चर लूंगी, चाहे जो हो जाए मैं लेक्चर लूंगी. जो मैंने अनाउंस किया है वो मैं लूंगी. ओके
सैटरडे संडे को ऑफ रखा है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आगे से अपन ये करेंगे, लेक्चर कैंसिल ही कर देंगे ताकि तुम इंतजार ना करो, भगवान करे आई क्रॉस माई फिंगर्स कि वापस नहीं होगा, बट सी इट्स नॉर्मल लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन राइट। तो पोर्शन पूरा लूंगी, अगर तुम मेरे साथ लाइव आ रहे हो तो लाइव मेरे साथ बने रहो, बी देयर, आई एम हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर सच अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स गाइज एंड पुटिंग सो मच ऑफ ट्रस्ट ऑन मी, रियली थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी एक्चुअली। Okay, and I wish all of you, आज पहले दिन है, रोज all the best बोलूंगी, तुम सबको भगवान करे exemption आ जाए, बस तुम पास कर जाओ, बस मैं दुआ के अलावा, blessing के अलावा तुमको कुछ और दे नहीं सकती, पढ़ा सकती हूँ वो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी जा नहीं रही, thank you मत बोल, मैं जा नहीं रही हूँ अभी हूँ यहाँ पे 10-15 मिनट, रुको, thank you क्यों बोल रहे, रुको, now, Now again, come back, emotional melodrama over, come back. दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी वो होती है where in it is issued at 100 and there is a coupon rate that is called add-on method, मतलब if I give you 100, you will pay me 10 for some number of maturities, correct है? Now, there is another way of getting this 10, मतलब मैं तुमको 90 देती हूँ और तुम मुझे 100 दे दो, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। मैम ये अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या, नो, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे ऑफ डिजाइनिंग अ सिक्योरिटी, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, बोथ ऑफ देम आर मार्क्ड टू मार्केट, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इट इज जस्ट अ डिजाइन पार्ट, नथिंग एल्स, बट मैथमेटिकल ऑपरेशंस वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट इन बोथ द केसेस नेचुरली। सो मैंने लिखा है यहाँ पे एडॉन मेथड, डिस्काउंटेड मेथड, एग्जाम्पल्स, अ कूपन पेइंग बॉन्ड, अ कूपन पेइंग डिबेंचर, एडॉन मेथड, अ जीरो कूपन बॉन्ड, अ ट्रेजरी बिल, अ कमर्शियल पेपर इज अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। ओके, गोइंग फर्दर क्विकली, अब मैंने क्या किया है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, द मेच्योरिटी ऑफ अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी वेयर The maturity is 1 year or less, or where the maturity is 1 year, or maybe more than 1 year. 1 year भी हो सकता है. तो zero coupon bond जो होता है ना, उसकी maturity 1 या ज़्यादा ही होगी. Okay? उसकी value कैसे निकालते हैं पता? Present value, okay, और V zero is equal to face value divided by 1 plus R rest to the power n. Okay? इस तरह से निकालते हैं. अब तुम अगर देखोगे ना, कूपन पेइंग बॉन्ड देखा है तुमने, कूपन पेइंग बॉन्ड में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कूपन वाला सी इंटू पीवीए आर कॉमा एन यहाँ पे आ जाता है ना, और सेकेंड पार्ट तो यही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो कूपन बॉन्ड है इसलिए नहीं आएगा, सिंपल। ओके, एंड देयर ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल इज अगेन अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी, द मेच्योरिटी ऑफ अ ट्रेजरी बिल, टी बिल और कमर्शियल पेपर इज लाइक 3 months, 182 days or maybe a year, 364 days, not more than that. They are money market instruments basically. Okay, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, a T-bill is a short-term security issued by RBI. It is issued at discount, okay? It is issued at discount and redeemed at par. We have 91 days T-bill, 182 days T-bill, 364 days T-bill and so on, okay? So basically, I keep on telling students that you need money for two purposes, short-term working capital requirement, long-term project, simple, okay? So all the enterprises, government is an enterprise, it needs money for long-term, it needs money for short-term, road banana hai, dam banana hai, metro banana hai, long-term. So kya karenge? Bonds issue karenge, zero coupon bonds issue karenge, like 5 years, 10 years, 15 years, 30 years. ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स, ओके, दैट वे। तो एक बात पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कंसिडर्स कंपाउंडिंग ऑफ कोर्स, ओके, बट ट्रेजरी बिल, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये ना इधर और होगा, ये ट्रेजरी बिल का यील्ड निकालने का फॉर्मूला है, इसमें देखो कंपाउंडिंग कंसिडर नहीं हुई, इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो बेसिकली एफ माइनस पी बाई पी, दैट मीन्स अगर 95 रुपीज में इश्यू हुआ ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर और 100 में रिडीम होगा आफ्टर 6 months, ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे यील्ड, 100 माइनस 95 बाई 95,
इंटू 100, ये 6 मंथ्स का रिटर्न आ गया, इंटू 12/6 एनुअलाइज हो गया. ओके दिस इज ऑल. सो मॉड, देखो फॉर्मूला यहां दिया भी है. ओके सो ये जो आर है, मैंने यहां पे लिखा हुआ, ये जो आर है ना, दिस इज द, देखो यहां पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पॉट रेट एंड द फॉरवर्ड रेट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मंडे. इसलिए ये जो डिस्कशन है यहाँ पे, दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट. एक बात तुमको बता देती हूँ, आजकल स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इनका दिल आ गया उस टॉपिक पे और बार बार उस पे जा रहे हैं. ओके इसलिए वो टॉपिक को प्रॉपरली प्रिपेयर करो. अगर मुझसे पूछोगे कि मैम बॉन्ड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो जो अगला लेक्चर आएगा ना, उस लेक्चर में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन विदाउट टेकिंग दिस लेक्चर ऑफ टुडे आई कैन नॉट गो फॉर द सेकेंड लेक्चर. सो ऑल द टॉपिक्स, इम्यूनाइजेशन, देन योर वॉट एवर टॉपिक्स आर कमिंग फॉर द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स, ऑल ऑफ देम आर डैम इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. तुमको मैंने हिंट दे दिया आज. ओके नाउ लेट्स डू वन दिस सम एंड देन वी कैन वाइंड अप इफ यू वॉन्ट. नाउ वंडरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इंस्टीट्यूट का सम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. मेरे पास ऐसे बहुत सारे सम हैं, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाला लिया है. वंडरलैंड लिमिटेड हैज एन एक्सेस कैश ऑफ 20 लाख्स व्हिच इट वांट्स टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ओके एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विल बी 50,000. ओके बॉन्ड रिफंडिंग, यस द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 9%. द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज टू अर्न प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%. एक बच्चा मुझे कल परसों डाउट पूछ रहा था, हो सकता है वो बच्चा इसमें होगा, मैं नहीं कह सकती हूँ, यहाँ शायद होगा आज. ओके उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आपने जो ये निकाला है आंसर, तो आपने 20,000 में से ये 50,000 क्यों नहीं माइनस करके निकाला? नहीं कर सकती ना, वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. तो बेसिकली क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दिस 9% हैज टू बी अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू. आई कैन नॉट रिमूव that 50,000 and apply 9%. I hope that student is here and listening to my answer. So you will have to calculate gross amount, then remove the transaction cost or expenses, and wo aana chahiye 1 lakh. Okay, to period hai 10 months. Yeah, I think 1 lakh hai kya? Yes. Wait a minute. Correct ना? ये correct ही तो है, गलत कहा है इसमें. ये 1 lakh कहां से आया तुमको समझा क्या? ये 5% into 20 lakhs किया हुआ है देखो, और ऊपर से बोला भी है प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%, राइट? तो कभी भी मत करना कि 20 lakh में से तुम ये 1 lakh माइनस, ये 50,000 माइनस करके मत आंसर निकालना, वो गलत हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, राइट? नाउ ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब हुआ दिस 1 lakh शुड बी 0, एंड इफ यू कैलकुलेट यू गेट अ आंसर ऑफ 3.33 months. गाइस आई थिंक यू आर वेल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और तुमको बता दूं जब मैं करा रही हूं ना, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. इफ आई रिमूव द आंसर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आई आस्क यू टू डू द सम, यू विल डेफिनेटली गो फॉर. बिकॉज जो छोटे आंसर्स होते हैं इजी लगते हैं अपेरेंटली, वी टेंड टू अंडरमाइन देम इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग प्रैक्टिस, देख के छोड़ देते हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द पेपर. सो प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. ओके नाउ गोइंग फर्दर, नाउ टर्म स्ट्रक्चर डिस्कस करके मैं आज वाइंड अप कर देती हूँ. वॉट इज अ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट? सो वेन, ओके वेन लाइक दिस, वेन यू प्लॉट the sovereign zero coupon bonds, when you plot the yield of the sovereign zero coupon bonds, wo wala zero coupon bond jo government jo RBI ne issue kiya hai, kyunki uski jo yield hai wo purest form hai, no decoration, no default premium at all, that will give you the perfect reflection of your country's growth. Okay, and that is why sovereign, that is why zero coupon. Okay, so when you plot the yield of
ओके लाइक दिस माय डायग्राम्स आर तो गॉड लाइक दिस. सो दिस इज बेसिकली ईयर ओके एंड दिस इज ईल्ड. सो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस ओके. सो द ईल्ड ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2 समथिंग लाइक दिस. तो ये इसको क्या बोलते हैं R01, R02, R03. कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे. यहाँ पे सपोज करो कि मैं तुमको दो बॉन्ड देती हूँ बॉन्ड ए बी सी बॉन्ड ए बी एंड सी एंड द वैल्यूज आर सपोज वैल्यूज आर मे बी लाइक 98 देन 97 एंड 96 पॉसिबल एंड मैच्योरिटी एन इज लाइक 1 year, 2 year, 3 year. कैन एनी बडी टेल मी सुनना ध्यान से कैन एनी बडी टेल मी कि ये मैंने जो डेटा दिया है अगर तुम समझते हो अच्छे से तो तुम मुझे बता पाओगे शायद शायद मुझे बता पाओगे कि ये डेटा सही है कि गलत है. बताओ. सो 100 डिवाइडेड बाय 96 ओके मतलब अगर मुझे यील्ड निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी. हाउ विल आई कैलकुलेट दैट. करेक्ट वी विल यूज बूटस्ट्रैपिंग मेथड. वेरी गुड. फेस वैल्यू इज 100. यस. सो मैंने जानबूझ के क्या किया है दैट द बॉन्ड व्हिच हैज गॉट अ मैच्योरिटी ऑफ 1 year अगर मैं 98 लूंगी तो यील्ड विल बी लेसर. करेक्ट. स्लाइटली मोर यील्ड फॉर अ बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी ऑफ 2 years एंड स्लाइटली मोर. सो इफ द प्राइसेस आर लेस इट विल गिव मी रिलेटिवली हायर रिटर्न्स. बट वी नीड टू कैलकुलेट एंड चेक इट आउट. रॉन्ग है. रॉन्ग आया है. करके दिखाएं आंसर देखें. नहीं रॉन्ग क्यों होगा. रॉन्ग नहीं होगा. अपवर्ड स्लोपिंग की जगह डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. रॉन्ग नहीं होगा. कैलकुलेट करके वो तो देखना पड़ेगा ना. सो रॉन्ग नहीं होगा. सो दिस विल बी लाइक 98 इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस आर. सो मे बी लाइक 100 डिवाइड बाय 98 राइट. 100 डिवाइड बाय आई गेट 10.20% राइट. रॉन्ग है. अब ये देखो 97 इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस आर रेस्ट द पावर 2 करेक्ट ना. सो 100 डिवाइड बाय 97 ओके रेस्ट द पावर 2 माइनस 1 या गलत हो गया. गलत इसलिए हो गया डाउन यस कम होता जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया. ओके दैट मीन्स हमको चेक करना पड़ेगा कितना. दैट मीन्स आई नीड टू टेक दिस एज मे बी लाइक 99 इसमें लेना पड़ेगा और ये वाला शायद मुझे 96 लेना पड़ेगा. ओके तो ठीक हो जाएगा वॉट एवर. तो इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा डेटा को. इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं. मैंने कैलकुलेट नहीं किया. मैंने रैंडमली दे दिया क्वेश्चन तुम लोगों को. बट मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि माई R01 इज सपोज मे बी 10 ओके 12 एंड 13 पॉसिबल. दिस विल गिव यू एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अगर मैं उल्टा कर दूं R01 इज 13 R02 इज 12 एंड R03 इज 10 देन यू विल गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. फ्लैट यील्ड में यू विल गेट सेम रेट एवरीवेयर एंड हम्ड यील्ड में इट विल बी लाइक दिस. बट लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर दैट यू कैन हैव डिफरेंट वराइटीज ऑफ यील्ड कर्व. ओके यू कैन हैव डिफरेंट वराइटीज ऑफ यील्ड कर्व बट देन द नॉर्मल वन इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. क्योंकि लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म से हमेशा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम मेच्योरिटी प्रीमियम एंड लिक्विडिटी प्रीमियम. ये तीनों की वजह से द लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट विल बी ऑलवेज हायर देन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. टेम्पररली यू कैन हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हम्ड यील्ड कर्व और अ फ्लैट यील्ड कर्व बट इन द लॉन्ग टर्म इट हैज टू बी एन अपवर्ड राइजिंग कर्व. ये एग्जाम्पल मैं हटा रही हूं बिकॉज एक बेटर एग्जाम्पल दो ना मुझे फटाफट. रुको
रुक जाओ मैं करती हूँ, 100 डिवाइडेड बाय, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड अप लाइक दैट, माइनस 1 इंटू 100, सो 1%, कैन आई राइट लाइक दिस, v0 विल बी फॉर ए बी एंड सी 99, ओके, एंड r व्हाट आई गॉट डिवाइड बाय 99 इज 1%, ओके. और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था 96 लिया था, राइट, तो 100 डिवाइडेड बाय, आई वॉन्ट एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, दैट्स आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, 100 डिवाइडेड बाय 96, ओके, रेस्ट द पावर 0.5 माइनस 1 इंटू 100 इज गिविंग मी 2.06, ये सही आ रहा है, 2.06%, और सी में मुझे लगता है मैं 90 ले लूंगी, 90, अब सही है, अब सही है क्या, येस और नो बोलो जल्दी, 100 डिवाइड बाय 90, ओके, रेस्ट द पावर 0.33, आई गेट यस 3.5%, इसका 3. अब सही है, सिमरनजीत सिंह इज द आंसर, करेक्ट नाउ ऑल ऑफ यू, सो फॉर ए इज 1%, ये 1% हो गया, और फिर ये 2% हो गया, और ये 3.5% हो गया, अब सही है, यस करेक्ट ना, वो कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके चेक करना ही पड़ता है, क्वेश्चन ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है. यस ऑल ऑफ यू, सो कैन वी वाइंड अप फॉर टुडे, टुमारो, नॉट टुमारो, आई मीन टू से मंडे, ओके, मंडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर अ बिट अर्ली, विल इट बी वाइज टू स्टार्ट एट 7:30 PM, ऑल ऑफ यू, 7:30 कैन वी स्टार्ट, एग्जैक्टली, क्यों क्यों ज्यादा होना चाहिए, डिफॉल्ट प्रीमियम, एक काम करती हूँ, रुक जाओ तुमको एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड रुको, एक अच्छी चीज दिखाती हूँ तुमको मैं, आर आर एफ, ओके ओके, इन्फ्लेशन प्रीमियम, एंड देन उसके बाद आता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम, एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज मैच्योरिटी प्रीमियम. सो आई फील दैट बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लॉन्गर मैच्योरिटी विल ऑलवेज बी हायर देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी, बिकॉज अगर पैसा जितना दूर जाएगा डिफॉल्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, पैसा जितना दूर जाएगा लिक्विडिटी उतनी कम हो गई, और मैच्योरिटी अगर ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, दैट इज व्हाई द इंटरेस्ट रेट्स और द आरओआर फॉर अ लॉन्गर मैच्योरिटी शुड बी हायर देन द आरओआर और द इंटरेस्ट रेट ऑफ द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इनवर्टेड फ्लैट एंड हम्ड आर टेम्पररी बट अपवर्ड राइजिंग और नॉर्मल विल प्रिवेल इन द लॉन्ग टर्म. थैंक यू सो मच, बाय बाय. We are going to start with all the very important topics, spot and forward rates. Then we are going to do this one. Which one? Bond refunding करेंगे. ये सारे topics हम लोग अगले lecture में mind up कर देंगे और अच्छे से ले लेंगे. Thank you so much. Bye bye. Thank you for being there. Thanks a lot. And good night. Sleep tight. Yes, Harsha. Yes, Sri Harsha, tell me. Yes, I will take my dinner. I'll go home abhi to. I have to again go 15 kilometers home and then will take dinner. Chalo, bye bye. Yes, I will tell them definitely. Special thanks to driver bhaiya and Shoaib bhaiya. Shoaib bhaiya, thank you. 3.5, can you explain this one? Yes, I can explain you. It's one. Yes, I can explain you. It's explain you. Not a problem at all. Wait a minute. Yes. 3.5. Kelsey chalao apna. Tumhari Kelsey pe nahi aayega. Shri Harsha, you will not get 3.5% on your Kelsey, because in order to do that, we need to calculate 1/3. How? Look at this. So 90, give me a second. 90 is equal to 100 by 1 plus r raised to the power 3. Okay, so 1 plus r raised to the power 3 is 100 divided by 90, that will give you
1.111. So 1 plus r is 1.111 by 0.33. Okay, that will give you r equal to 3.5%. So you, your normal calci will not calculate, but if you understand the concept, Sriharsha, it is good. You will, no, your normal calci cannot calculate that. Yes, I understood. Bye. Chalo, bye. Thank you so much, guys. Meeting on Monday, 7:30 PM sharp. Chalo, bye. Shoaib, I am better, Ayush. Mere ko H1N1 flu ho gaya tha. 12 days I had fever. That is why I'm coughing also, but I'm good now. I'm better. Thank you. Bye-bye.